राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यै कीर्तासितमादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंद। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भक्त जुग्म सुमतीर रघुनाथ दास श्री जीवन कुरुत मंद मतीर दयांगबरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्म प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आजुभावं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिवान् तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब पर हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री 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 माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री 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 माध भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कथकल्य हम लोग श्रवण कर गए थे श्री नारद का चरित्र और श्रील ध्रुव महाराज की कथा श्रवण कर गए थे। कल जिस समय भगवान ये सृष्टि करने की इच्छा करते हैं ठाकुर जी की नाभि कमल से सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। पहले उनका एक सर था, जब उन्होंने चार तरफ में देखने की इच्छा की उनको चार सर हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, उन्होंने कमल नार में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान की लेकिन इसका कोई था ही नहीं मत मिला। जब फिर ऊपर में उठे व्यंजन वर्ण का सोलहवां और एकोसीमा उन्होंने अक्षर सुना वृत्ता और बोले तुम तपस्या कर। जब ब्रह्मा जी तपस्या किए बोले ज्ञानमय परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यं च तदगं च गृहाणम गदितमयम। तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान की एवं ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे तुम आगे बढ़ाओ। सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा जी अपना मन से उन्होंने चतुसन को सृष्टि की सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। बोले ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ।
बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं भगवान की भजन करें और जीवन में खूब मस्त रहे, ये संसार बड़ा दुख है। बोले भगवान का आदेश है सृष्टि को बढ़ाना, सृष्टि का पहला तुम हो और तुम कहते हो घर गृहस्थी नहीं करोगे। तो ब्रह्मा जी ने को अभिशाप दे दिया, बोले घर गृहस्थी नहीं करोगे। बोले नहीं, बोले तुमने जैसे जन्म हुआ ना जिंदगी भर एक छोटा बन करके रहोगे, इसलिए आप चतुर्सन को देखो कभी बड़े नहीं होते, हर समय नंगे रहते हैं और 5 साल उम्र जैसे। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप है तो वरदान है, घर का बोझ किसको ऊपर में, बड़ों को ऊपर में, बच्चों के ऊपर कोई बोझ है, वो तो खेलते कूदते मस्त रहते हैं। इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भुरु से श्री भोले बाबा रुद्र प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की जय। शंकर जी को भी बोले, बोले तुम भी सृष्टि का काम बढ़ा। लेकिन शंकर जी योगी योगी महायोगी, आप कहीं भी शंकर जी की मूर्ति देखोगे, देखना शंकर जी हर समय ध्यान में बैठे हुए होते हैं। किसकी ध्यान करते हैं? बोले ठाकुर जी को ध्यान करते हैं। लेकिन इस शंकर जी की अभी इच्छा नहीं कोई घर गृहस्थी। लेकिन इस शंकर जी ने देखा अगर मैं मना कर दूं घर पिता बिगड़ नहीं जाए, बोले ऐसे काम करो पिता अपने आप ही मना कर दे। शंकर तो जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की, ब्रह्मा बोले ये सब सृष्टि है ना, ध्वंस कर रहे हो, जरूरत नहीं ऐसे सृष्टि करने का, चुप बैठो। शंकर जी तो खुश हो गए, बोलते मैं यही चाहता था। पर ब्रह्मा जी अपना परछाई से श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने 10 पुत्र और मनु और सतरूपा को उन्होंने वाम अंग से सतरूपा और डान अंग से श्री मनु महाराज को सृष्टि किए। यही मनु महाराज उन्होंने 3 कन्या और 2 बेटे जन्म दिए, जिसको आकृति देहूति प्रसूति और उत्थान पात और प्रिय प्रत। यही सही धीरे 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 ये सृष्टि हुई और सृष्टि होकर भी इतने सारे लोग हो गए। इसलिए हम लोग कहाँ से जन्म हुए, कहते पितामह श्री मनु महाराज से, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। लेकिन हमारे जो साइंस बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको टीचर क्या पढ़ाता है हम लोग कहाँ से जन्म हुए हैं, हुए हैं। पहले पहले हमारे जितने पूर्वज लोग सबके सब बंदर थे और ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना फिर हम इंसान हुए। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम सबके सब ठाकुर जी से हुए। अगर बंदर से होता अभी कितना बंदर घूम रहे हैं, एक बंदर को कभी इंसान होते तुम देखे हो? बंदर का कोई भी पार्ट सको आप इंसान में लगाओ, एक समय बंदर का केवल एक पार्ट को बदलाने को लिए कोशिश किया, उसको ब्रेन को इंसान का ब्रेन में लगाए, जैसे बंदर छलांग मारता है वो इंसान भी ऐसे छलांग लगना शुरू कर दिया। इसलिए हम लोग बंदर से नहीं हुए हैं। अब बंदर का सूरत तुम्हारी सूरत में मिला मिलेगा, उनका आँख मिलेगा ना, नाम का नाक मिलेगा ना हाथ मिलेगा, लेकिन राम और कृष्ण का साथ में तुमको मिला मिलोगे कि नहीं? ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये बच्चे लोगों को पीछे कोई नहीं, वो बाबा कहाँ गए, ये गुब्बार लगाया ऐसे गुब्बार तोड़ रहे हैं बच्चे लोग, ये पीछे कोई है नहीं वहां पर, बाबा गए कहाँ? हरे कृष्ण। ए बच्चों गुब्बारा नहीं तोड़ना, इसलिए हम सबके सब भगवान से हुए हैं। इसलिए हमें क्या कहते हैं, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्याम द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। इसलिए हम लोग बंदर से नहीं हुए, हम सबके सब श्री भगवान से हुए हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। अभी यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है, जिस समय श्री कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की, भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए और भगवान के आंसुओं से आंसू आया तो जिससे एक बिंदु सरोवर बन गया। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि वर मांगो। बोले प्रभु हमें अचला मिले। बोले ठीक है तथास्तु। बोले और क्या चाहिए? बोले मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थी की इच्छा है ही नहीं, लेकिन अगर भगवान की इच्छा हो, इनकी इच्छा को जान करके हम तो घर गृहस्थी कर सकते, लेकिन मेरी 2 शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त? बोले पहला शर्त है,
तब तक संसार में रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए। बोले दूसरी शर्त, बोले आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे फिर तो हम ये घर गृहस्थी कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं स्वयं बेटा बन करके आ जाऊंगा। फिर करदम ऋषि को साथ में माता देवूत की शादी हो गई। जब शादी हुई ना, तब श्री मनु महाराज ने माता देहूति को लिखा पढ़ा करके सिखाते हैं। देखो माता ध्यान दे कृष्ण, ये आप लोगों के लिए की कथा है। कहते देख बेटी, तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पिताजी का और ससुर जी का जो लाज है तुम्हारी हाथ में। अगर तुम जा करके ससुर घर में अगर बढ़िया सबकी सेवा करोगे, सभी की सम्मान दोगे तो लोग क्या बोलेंगे? बोले तुम्हारी पिता माता तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया है, अगर तुम कुछ गड़बड़ी करोगे ना क्या बोलेंगे? तेरे पिता माता तेरे को ही सिखाया। बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारी पिता माता तुम्हें यही सिखा करके भेजे हैं। इसलिए माताओं के हाथों में जितने सारे लाज लज्जा सबके सब माताओं के हाथों में, इसलिए उनको अच्छे तरह से उन्होंने सीखा लिखा पढ़ा सिखा करके भेजे। खबरदार कभी भी अभी जहाँ शादी करके जा रहे हो वही तुम्हारी घर है, ऐसे नहीं थोड़ी सी उल्टा पुल्टा कुछ हो गया फोन लगा दो। अपना पीहर में यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, इसलिए कभी भी अपना पीहर को फोन नहीं करना। वहां से अगर आओ तो तुम्हारे लाश ही वापस आए, तुम वापस नहीं आना। पहले ये सब लिखा पढ़ा करके सिखाया करके जाते थे। अभी उन्होंने जा करके जब शादी हो गई फिर उन्होंने अपना पति की सेवा में लग गई और उनको पति ने भजन में बैठ गई करदम ऋषि। अभी करदम ऋषि भोजन नहीं कर रहे हैं, फिर माता देवत भोजन कैसे करेगी? वो भी भोजन नहीं करते हैं। अभी वो स्नान नहीं कर रहे हैं, वो भी स्नान नहीं कर रही है। और पति सेवा करते 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 1000 साल तपस्या किए, जब करदम ऋषि की आंख खुली ना वो भूल गए हमने कभी शादी किया हो। देखा सामने की बुढ़िया बैठी हुई, बोले तुम कौन हो? बोले आपको याद है आपने कभी शादी किया था? बोले ओ तुम वही देहूति हो, वो इतने सुंदरी थी आकृति देहूति प्रसूति, जब अपना पिताजी की आंगन में ये तीनों खेलते थे उसी समय में देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते थे, इतने सुंदर थे। लेकिन उन्होंने पति की सेवा करते 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 के बूढ़ी हो गई। क्यों? पति भोजन नहीं कर रहे हैं। शिक्षा क्या देते हैं? ऐसे नहीं भोजन बनाया और बच्चे पति को खिलाए ना खुद भोजन कर लिया। देखो माताएं ध्यान से सुनो, इसलिए पति को बच्चों को भोजन नहीं कराया स्वयं भोजन कर लिया, ये ठीक नहीं। इसलिए पति भोजन कर नहीं रहे, पति स्नान नहीं कर रहे, पत्नी श्रृंगार नहीं कर रहे, इसलिए पत्नी भी श्रृंगार नहीं करती। देखो मैं भी एक गांव का बच्चा हूँ, हम देखता था हमारे जो माताएं हैं ना दिन में श्रृंगार नहीं करती थी, कब श्रृंगार करती थी? शाम को। बोले क्यों? स्त्रियां क्यों श्रृंगार करती हैं? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे पुरुषों को दिखाने के लिए नहीं, वो अपना पति को ही दिखाने के लिए माताएं श्रृंगार करती हैं। इसलिए मैं देखता था गांव में, क्योंकि पति दिन भर काम करने के लिए गया इसलिए श्रृंगार करके किसको दिखाओगे? इसलिए मैं देखता था गांव में हमारे माताएं शाम को पति वापस आएगा इसलिए वो श्रृंगार करती थी, पति आएगा तो पति के लिए ही माताओं का श्रृंगार है। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, तुम लोग जो सर पर कपड़ा ओढ़ते हो अपना जो पर्दा करते हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति। क्यों सर पर कपड़ा रखते हो? हमारी सुंदरता केवल पति के लिए है, दूसरे पुरुष के लिए श्रृंगार हमारी नहीं। इसलिए आप जो गुजर लोग हो जो पर्दा कर रहे हो सर पर कपड़ा लगा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग हमारी संस्कृति को तुम लोग सही सही माता जी को बैठा लो, इसलिए सही सही तुम लोग अपना संस्कृति को पालन करते हो। इसलिए जितने गुजर है गुजर सब सब ताली बजाओ तुम लोगों के लिए। माता जी बैठ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जो पति की ठीक ठीक रूप में पति की सेवा करती है, देखो पतिव्रता धर्म की कितने शक्ति है, उनकी पतिव्रता को देख करके करदम ऋषि प्रसन्न हो गए। बोले वाह तुमने क्या पतिव्रता धर्म को जागरण की, एकदम बूढ़ी हो गई थी। जा बोले जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो,
जब स्नान की, स्नान करके जब निकली ना, वो पहले जितने सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। हजार दास दासियां प्रकट हुई। और श्री करदम ऋषि बोले, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? बोले शादी क्यों किया था? भगवान से वर मांगा था ना ठाकुर जी, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। अब जब ठाकुर बेटे बन करके आए नहीं, बोले ठीक है। तब उन्होंने एक सुंदर एरोप्लेन विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामर विमान। देखो पहले जो साइंस थी, अभी का साइंस से बहुत एडवांस है। ये साइंस अभी जो जो निकाल रहा है ना, वो पहले साइंस को देख करके। रावण के पास में पुष्पक विमान था, सुने कि नहीं, जिसमें सीता को उठा कर ले गया। उसमें कोई मसनी फसनी थी? जैसे चाहो। अब इसका नाम कामक विमान। कामक मतलब क्या? जैसे इच्छा करो वैसे उड़ेगा। कोई डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। वो बरना आया है, वो इतना बड़ा विमान थी जिसमें बड़े सुंदर सरोवर है, सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर सुंदर चिड़िया है, जहाँ पर सुंदर राजमहल, जहाँ पर चार तरह का कमल फूल खिला हुआ, जिसमें राज हंस जिसमें क्रीड़ा करते हैं, और कितने मील तक थी, इतना बड़ी विमान। कामक मतलब होता है जैसे चाहे वैसे उड़ेगा। और उसमें कोई बैठेगा ना, वो बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ी नहीं होगी, उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, जिसमें गर्मी नहीं, ठंडा नहीं। अद्भुत वर्णना किया है। अभी ऐसे कोई एरोप्लेन बन सकता है? बन ही नहीं सकती है। अभी तो कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, वो एक्सीडेंट होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने आनंद पूर्वक आकाश में घूमते रहे। उनकी बड़ी सुंदरी सुंदरी नौ बेटी जन्म हुई। अभी करदम ऋषि बोले, देव के अब तक खुश हो गए, नौ नौ बेटी हो गए। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले बेटियां तो शादी हो करके अपना ससुर घर चले जाएंगे, अभी मैं क्या करूंगी? ठाकुर तो बेटे बन करके आए नहीं। जब उन्होंने पति की बड़ी सेवा की, तब भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि भगवान के बेटे बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जब कपिल मुनि बन करके आए, अभी वो चाहते हैं मैं संन्यास लेकर के चले जाऊं, क्योंकि ठाकुर जी से तो यही वर मांगा था। लेकिन घर में अगर बेटी हो, पिता माता का सर्वप्रथम कर्तव्य है बेटी को शादी दो, सबसे पहला कर्तव्य है। आप लोगों ने कोई बेटी को शादी दी हो? कौन कौन बेटी को शादी दी, हाथ उठाए। आप देखना, एक बेटी को जब शादी देते ना, घर करके खाली हो जाता। एक बेटी की शादी में आज इनकी कितने बेटियां थी? नौ। तक नौ बेटियों को शादी करना कितने कठिन है। लेकिन देखो यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा देते हैं, कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब तुम भगवान की भक्ति करो ना, भगवान सारे काम ठाकुर कर लेते हैं। एक दिन पितामह ब्रह्मा जी, उनको तो 10 बेटे, नारद बचपन से ही बैराग्य है। एक दिन उन्होंने 9 बेटों को लेकर के अपना दर्शन करने के लिए जब आए करदम ऋषि से मिलने के लिए, तब देखा इनकी 9 सुंदर सुंदर बेटी और इनका 9 सुंदर सुंदर बेटे। बोले भैया जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। बस उन्होंने एक साथ में खाली घर खाली हो गए। 9 बेटी एक साथ में शादी हो गई। क्यों? वो ठाकुर जी के भजन करते हैं ना। आप नरसिंह भगत का नाम सुने हो? जब उन्होंने नरसिंह भक्त बेटी की जब शादी करवाए ना, आप टीवी में कभी देखे होंगे, सोने चांदी की बरसात होने लगी। ठाकुर जी स्वयं शादी करने के लिए पहुंच गए। शिक्षा देते हैं, अगर भजन करोगे ना, ठाकुर तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयारी। लेकिन कहते एक कदम ठाकुर तरफ में बढ़ाओ, ठाकुर जी 10 कदम तुम्हारी तरफ में ठाकुर जी बढ़ाएंगे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी सारे घर खाली हो गया। अभी करदम ऋषि भजन करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है। बोले भैया भजन करने के लिए किसको भजन करने जाना चाहते? बोले ठाकुर जी को। बोले ठाकुर तो तेरे घर में बैठे, भगवान बेटे रूप में आए ना, पर तुम भजन करने के लिए किसको जा रहे हो? ठाकुर तो तेरे घर में। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई। बोले जब तक तुम भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक हृदय में ठाकुर का फिर प्रेम नहीं होगा। और जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, जो माताएं आ रही हैं उनको अंदर में आने मत दिया करो, आप लेकर के रख लो। बोले वही रख लो, अंदर में आने मत दिया करो। इसलिए कहते जब तक हृदय में प्रेम नहीं होना,
तब तक भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवान केवल प्रेम का अधीन है ठाकुर जी, प्रेम के बगैर अभी ठाकुर जी तुम्हें दर्शन भी दे देंगे तुम्हारी कोई लाभ होने वाले नहीं। आप बताओ कंस ने कृष्ण को दर्शन किया कि नहीं, बोलो कंस ने कृष्ण को दर्शन किया कि नहीं, लेकिन उसने किया क्या, जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की। उतना अघासुर त्रिणापर सकटासुर एक ऊपर राक्षस भेज गया है, फिर चारों मुष्टि कृष्ण को दर्शन की, लेकिन भगवान को साथ में युद्ध किया उन्होंने, ठाकुर जी को मारने के लिए कोशिश की। आप बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं, अरे बोलो रावण ने राम को देखा कि नहीं, देखा था ना, लेकिन उसने क्या किया, ठाकुर को दर्शन करने से क्या होता है, जगत का सारे बंधन नष्ट हो जाता है, लेकिन रावण ने क्या किया, उन्होंने भगवान राम को साथ में युद्ध किया, मेघनाद भी भगवान को साथ में दो दो बार लक्ष्मण को ऊपर में उन्होंने तो शक्ति शैल की प्रहार की, फिर भगवान राम लक्ष्मण को उन्होंने नागफास बंधन में बांध भी दिया है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हृदय में तुम्हारी भगवान के प्रति प्रेम नहीं होना, अगर तुम्हें भगवान मिल भी जाएंगे कोई तुम्हारी लाभ होने वाले नहीं। इसलिए हमारे जो प्रयोजन है ना, हमारे जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन, हमारे प्रयोजन भगवान हमारे प्रयोजन नहीं, प्रयोजन कृष्ण प्रेम। जब हृदय में कृष्ण प्रेम होगा फिर तुम्हें भगवान को पास में जाने का कोई जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारी पास में आए। बताओ ये गोपियां कृष्ण को पास में जाते थे ना, कृष्ण गोपियों के घर में आते थे, कृष्ण ये गोपियों के घर में आते थे और रोज रोज मक्खन चोरी करते थे, ठाकुर बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला करते थे, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। इसलिए घर में भगवान रहते हुए भी श्री कर्दम ऋषि ने भगवान को भजन करने के लिए कर्दम ऋषि ने गए, जब तपस्या करने के लिए कर्दम ऋषि गए और घर में माँ और बेटा रह गए। अभी माँ को पता मेरे जो बेटा है ये भगवान है। यहाँ पर एक दिन माँ आकर के अपना बेटे को पास में हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पिहर में कभी बच्चों में कभी बेटा में कभी बेटी में मन मेरी भटकती रहती है, इसलिए तुम बताओ मेरी कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। यहाँ पर श्री भगवान अपना माँ को उद्देश्य करते हुए उन्हें बड़ी दिव्य ज्ञान प्रदान की, बोले माँ बोले मन एव मनुष्यानां कारण बंध मत्स्यव, बोले माँ की जो मन है यही बंधन का कारण और यही मुक्ति का कारण है, जब इसी मन को हम भगवान में लगा दे यही मन मुक्ति के कारण बन जाएगी, जब इसी मन को हम दुनिया में संसार में लगाए फिर ये मन बंधन में लगेगा, इसलिए माँ ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगाओ। बोले बेटा बोलना जितना आसान करना इतना आसान नहीं, कहना ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये तो मन बड़ा चंचल है। इसलिए अर्जुन द्वापर युग में ही कहता है, अर्जुन क्या कहता है, बोले चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़ तस्या अहम निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम्। कहते वायु को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ बैठ बैठ करके ना वो एक मिनट में देखना ये विश्व ब्रह्मांड घूम करके आ जाता है, इतने ये मन चंचल है। पर ये चंचल मन को हम भगवान के भजन में कैसे लगाएंगे बेटा, तो भगवान कहते माँ ये चंचल मन को भजन में लगाने का एक तरीका है, बोले संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी।
से पार होना चाहते हो क्या करो, संत के संग लगी रहे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों का संग करो। बोले बेटा संतों को पहचानना भी बड़ा कठिन है, लेकिन हम संतों को कैसे पहचानते हैं, बड़े मोटे छोटे होंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे गला में माला, बड़ी बड़ी तिलक लगाए होंगे, बड़े जटा जुटो होंगे, हम उसको संत मानते हैं ना। लेकिन यहाँ पर भगवान अपना संतों को महिमा, संतों का लक्षण कहते हैं। आप भी ध्यान देकर सुनो, आप लोग ये मत समझो संत वही है जब जो त्यागी बन करके मठ मंदिर में जटा जुटा धारण करके रहते, ऐसे नहीं। ध्यान देकर इधर सुनो, कहते संत हुए हैं घर में हो नहीं तो वन में हो, कहीं भी हो अगर भजन करते हैं वही संत है। आप भागवत में देखोगे जितने सब कथा है, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश गोपियां, वो कहाँ पर थे, वो घर में थे, कोई घर त्याग नहीं किया था, वो घर में ही थे सबके साथ, ये कोई घर नहीं छोड़े थे, सबके सब संत थे, बड़े बड़े संत थे। पंच पांडवों के घर में ठाकुर रोज उनको घर में रहा करते थे, इसलिए संत का लक्षण ये नहीं जो घर बार छोड़ करके और गौरी बदुआ कपड़ा पहन लिया वही संत हो, ये मत समझो। इसलिए यहाँ भगवान संतों का लक्षण कहते हैं। बोले पहला लक्षण किया, बोले तिथि सब कारुणी का श्रुवी सर्वदही नाम अजात शास्त्र वसाथा साधु भी साधु भूषण। पहला लक्षण संतों का तितिक्ष मतलब होता है सहन, इसलिए कहते ना जो सहे सो रहे और जो नाश है वो नाश है, सहना सीखना। एक छोटी सी कथा सुन लो, प्राय करके एक घर में ना सास बहू की बुरी लड़ाई होती थी, ये बुराड़ी कहानी, सास बहू की प्राय करके लड़ाई होती। एक समय बहू इतनी परेशानी होकर के संतों के पास में गए, बोले बाबा रोज रोज घर में लड़ाई, बड़े अशांति घर में। संत ने कहा देख तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ, 21 दिन तक ये मंत्र को जप करोगे ना, ये मंत्र करोगे तो तुम्हारे क्या होगा, लड़ाई झड़ाई खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगे। बोले क्या, परिवार हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगे? बोले हाँ। बोले क्या बोलो? बोले तेरे को एक मैं बबूती देता हूँ, जब घर में लड़ाई होगा ना सास बहू में, वो बबूती को मुंह में डाल देना और मुंह को चुप रखना, बोलना नहीं कुछ, देखना 21 दिन में पूरा घर तुम्हारी कंट्रोल में हो जाएगी। बोले अच्छी बात। अभी जब लड़ाई सास के सामने हुई, बाबा ने कहा था ये बबूती को डाल देना, उसने मुंह में डाल दिया तो बात ही नहीं कर सकते, लड़ाई कब होता है जो बोलते हो। ये महाभारत क्यों हुई, कारण क्या है, केवल एक शब्द से ये उनका आनंद दिया गया, केवल एक शब्द से, केवल द्रौपदी ने इतना बोल दी थी अंधा का बेटा अंधा होता है, केवल इतनी वाणी से पूरा महाभारत रच गया। ये वाणी सबको ऊपर में निर्भर करता है। अभी उन्होंने क्या की, मुंह में डाल दिया, वो पाउडर डाल दिया तो मुंह खोले ही नहीं, सांस बोलते रहे, लेकिन कब तक अकेले, ताली कब बजती ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है, हैं? इसलिए बहू एकदम चुप, कुछ बोले ही नहीं, सांस बोली, इसको क्या हो गया, पहले तो मैं एक बोलू 10 सुना देती थी, लेकिन अभी चुप रहती है। फिर उन्होंने जब फिर लड़ाई झगड़ा हो, फिर
वो भी मुंह में पाउडर डाल देती है, मुंह बंद और सांस बोलते 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 थक जाती है, थक जाती तो लड़ाई खत्म। इतने में देखना कुछ कुछ माताएं जब जो बुढ़िया सब एकत्रित होती ना, उनको गोष्ठी लगती है, तेरे बहू ने क्या बताया, तुम्हारी बहू ने क्या बताया, तुम्हारे घर में क्या हो रही है। लेकिन इस सबके सब तो आप वहां पर किस लिए बैठे हो, तुम किस लिए बैठे हो? इसलिए उन्होंने सबके सब तो बोलती हैं, लेकिन इनकी जो सांस है ना, ये कुछ बोलती नहीं। इधर देखो सबके सब, इसलिए ये कुछ बोलती नहीं। क्यों बोलेगी क्या? सांस को साथ में जब बहू कुछ बोले तब तो कोई बोलती ना, आज मेरी मैंने ऐसे बोला, मेरी बहू ने ऐसे 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 बोली। लेकिन इसका बहू तो कुछ बोलती नहीं। सब बड़े आश्चर्य होते हैं, ये बड़े तो बोलते थे मेरे बहू ऐसे बोली, लेकिन ये तो कुछ बोलती नहीं, ये तो चुपचाप रहती है। इतने में क्या हुई, तो जो चार पांच दिन चला गया ना, सास तो इतने खुश हो गई, सास इतने खुश हो गई है, माता जी हरे कृष्ण हरि बोल, आप यहाँ बैठो, चुपचाप बैठना, आप इधर घूम करके बैठो, दुनिया देखने का जरूरत नहीं, आप सामने बैठते हो। अगर आप चुप नहीं रहोगे ना, मैं भी सब कथा नहीं, कौन कहाँ बैठते, तुम्हारी पर दायित्व तो नहीं है, तुम कथा सुनो, इसलिए इसलिए इधर घूम कर बैठो, घूम कर बैठो। हर बहू को बताया करो थोड़ा जल्दी आए, जब सिनेमा देखने जाओ ना तब जाते हो, बीच में ना लास्ट में जाते हो, जब शो आरंभ होता है ना आधा घंटा पहले पहुंचती हो और वहाँ लाइन लगाओगे हैं, अब पैसा देकर देखो, इसलिए कथा में थोड़ी जल्दी आया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी कुछ दिन बाद में ना सास इतने बहू के प्रति खुश हो गई, इतने 10 दिन में उसका सास उसका पूरा अधीन हो गई। बोले मेरे बहू तो बहुत अच्छी बहू है। बोले देख बहू, घर का तुम, मैं बच्चों को संभालती हूँ, तुम रसोई बनाया करो, तुम घर पोछा लगाया करो, मैं बर्तन मल देती हूँ, तुम कुछ काम कर, मैं कुछ काम करती हूँ, दोनों मिल करके अपना घर गृहस्थ चलाएंगे। ए तुम 10 दिन में पूरा झगड़ा खत्म। बोले बाबा ने क्या बहुत दिया, ये तो 10 दिन में घर की लड़ाई सारी खत्म। अरे मेरी बहू पूरा बड़ी अधीनी हो गई। पैसे पैसा क्या होता था, वो सास जो कुछ खरीदी करो सास देती थी, अभी सास प्रसन्न होकर सारे पैसा बहू के हाथ में दे दिया। बहू तू ले ले सारे पैसा और घर का सारे खर्चा पानी तू क्या कर। बोले क्या हो गया भैया, घर तो बदल गई। इसने आया संत के पास में और जो आधा बचा हुआ था ना, बोला था 21 दिन में, वो 10 दिन में सब शांत हो गई। बोले बाबा आपने क्या मंत्र दिया, आप लो ये भगवती तो और कुछ दूसरों को दे देना, मेरा घर तो कल्याण हो गया है। बोले बाबा ये बताओ तुमने क्या मंत्र दिए। बोले कोई मंत्र मंत्र नहीं, केवल ये मुंह बंद करने के लिए ये भगवती दिया है। ये जो लड़ाई तभी होती है जब दोनों आपस आपस में बोलो, अगर एक व्यक्ति चूप आ जाए तो सब घर ठंडा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं संतों का जो पहला लक्षण है, देखो ये मत समझो कल संत ही हाँ मैं, तुम भी संत हो, तुम भी संत ही हो, जहाँ पर भजन करोगे यहीं पर ही भगवान हमारी प्रेम में बसीभूत हो जाएंगे। सहन करना बहुत बड़ी चीज है। देखो और एक छोटी स्टोरी सुनाता, ध्यान देकर सुनो, ये सहन कितने बड़ी काम करता है। एक कोई चेला था गुरु जी की, वो रोजाना एक कलसी में पानी जाता था, यमुना में भर करके लाता था, उससे ठाकुर को सेवा होती थी। एक दिन चेला ने कोई गड़बड़ी किया और गुरुदेव ने बड़ी डांट लगाए, डांट लगा दिया तो चला बिगड़ गया। बोले और हमें नहीं रहूंगा, मैं कहाँ घर बार छोड़ करके भजन करने के लिए आया, और गुरु जी मेरे को ऐसे ऐसे शासन किया, मैं घर मंदिर में नहीं रहूंगा, मैं तो आज जाऊंगा यमुना में पानी भरने के लिए, फिर वहीं पर कलसी को रख करके मैं अपना घर में चला जाऊंगा। अभी गया पानी भरने के लिए यमुना में, और पानी क्या भरेगा, कलसी को वहीं पर रख करके बोले तो मैं जा रहा हूँ घर में। इतने में जो घड़ा थी ना, बोले कहाँ जा रहे हो, उधर आ, वो घड़ा बुला रहा है, किधर आ। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले आपको पता नहीं, मैं इतना सेवा करता हूँ मंदिर में, गुरुजी हमें डांट लगा दिए, थोड़ी सी बात पर डांट लगाए, मैं डांट सहन नहीं कर सकता, मैं तो अपना घर में जा रहा हूँ। घड़ा बोल बड़ा, देख मेरे जीवन को तुम सुनो, आप भी ध्यान देकर सुनो। कहते पता है मैं पहले कहाँ का मिट्टी था, लोगों जहाँ टाटी पेशाब करते थे वहीं का मिट्टी में था, ये कुंभार ने वहां से मिट्टी लाया, लाकर मेरे को छोड़ा नहीं,
मेरे को तुम कड़ी धूप में सुखाया, तब भी नहीं छोड़ा, डंडे मार मार करके मेरे को तो पाउडर जैसे बनाया, तब भी नहीं छोड़ा, उसमें फिर पानी दिया, तब भी नहीं छोड़ा, अपना प्यार में खूब रोंदा, रोंद रोंद करके मेरे को मुलायम किया, तब भी नहीं छोड़ा। अब देखना जब कलसी बनता है ना, कैसे चक्का चक्के के ऊपर में उसको ऊपर मेरे को चढ़ाया, चढ़ा करके अब देखना जब कलसी बनता है, चढ़ा कर कलसी का रूप देते हैं, उसको अंदर में हाथ रख करके डंडा से उसको पीटते हैं, पीट 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 करके एक कलसी बनता है, तभी छोड़ा दी मेरे को। फिर धूप में रखा, कितना दिन तक मैं धूप में पड़ा रहा, तब भी नहीं छोड़ा, फिर भाटी में चला मेरे को चढ़ाया। देखे हुई भाटी, पूरा चारी तरफ में पोत देते हैं, पोत करके अंदर में देते हैं, और कोयला लकड़ी दे करके जला जला करके तीन चार दिन में जा करके वो मिट्टी एकदम लाल रंग बनता है। इतने कठिन से मैंने ये लाल रंग धारण किया, तब भी मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को बेचने के लिए ले गया। मिट्टी कलसी बेचा हुआ देखे होंगे, पास में एक डंडा रहता है, जो आता है ना कलसी का कान पकड़ कर उखाड़ता और मारता है, क्योंकि पता चलता है ये फटा हुआ ना सही, वो मारता है उसको, जो आए मेरे कान पकड़े उठे और मेरे को मारना शुरू करे। ऐसे करते करते सौभाग्य से तेरे गुरु जी मेरे पास में आए, और वो भी पकड़ कर कान उठाया, वो भी मेरे को डंडा मारी, डंडा मार कर देखा ये कलसी सही है, फिर मेरे को खरीद करके लाए, और ला करके अभी तुम क्या करते हो, रोज रोज इसी कलसी से पानी भर करके लाते हो, और जब ठाकुर को सेवा हो ना, अगूर चंदन कर्पूर इससे सेवा होता है, जैसे उसमें हाथ लगाया कलसी में भी हाथ लगाते, करते 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 ये कलसी में भी सुगंध आ जाता, और देखो आज मैं क्या कर रहा हूँ, ठाकुर जी को सेवा कर रहा हूँ। इतने मैंने कष्ट सहन किया तभी आज ठाकुर को सेवा में लगा हूँ, ऐसे ठाकुर को सेवा में नहीं लग गया, और गुरु जी थोड़ा बोल दिया तो घर जा रहा हूँ। इतने आसानी नहीं भगवान को प्राप्त करना, इसलिए भगवान को प्राप्त करना तो सहन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, संतों का जो पहला लक्षण है, आप ही सब संत ही हो, ये मत समझो हम ही संत है, आप सब संत हो, उसका पहला लक्षण ठाकुर जी कहते हैं तितिक सब, पहला लक्षण सहो, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहोगे तो नाश हो जाओगे, ना सहे और ना सहे। तितिक सब कारुणिक, कारुणिक का मतलब संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, संत लोग हैं, सुहृद सर्वदहिनाम, संत लोग सबको बराबर देखते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो ऊपर चमड़ा को नहीं देखते हैं, अंदर में जो बैठे हुए ये परमात्मा को दर्शन करते हैं, इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधा के सब जीवों को अपना एक परिवार मानते हैं, हम एक पिता माता के सब हम बच्चे हैं। बोले सुहृद सर्वदहिनाम, बोले अजात शत्रव, जगत में संतों का कोई भी शत्रु नहीं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को दुर्योधन में सुर्योधन बोलते थे, दुशासन को दुशासन नहीं उसको सुशासन बोलते थे, इसलिए जगत में कोई भी शत्रु नहीं था। अजात शत्रु व शांता साधु भी साधु भूषण, उनने साधु के 26 लक्षण बताए, लेकिन उसने एक विशेष लक्षण, आप भी ध्यान देकर सुना, सब अच्छे तरह सुना, कि ठाकुर जी कहते हैं बोले मई अनन्न भावेन भक्ति एक चीज यहाँ से लेकर के जाओ, जो भक्ति है ठाकुर स्वयं कहते हैं, जो मेरे को भक्ति करते हैं मई अनन्न भावेन भक्ति, भक्ति अनन्न रूप में होनी चाहिए, बहु रूप में नहीं। हम आज किसी देवा को पूजा किया काम नहीं बना, बोले वहां पर कोई एक देवता नया देवता, चलो वहां पर काम नहीं बना, बोले वहां भी एक नया देवता आया वहां पर, चलो सारा दुनिया घूमते रहते हैं, नहीं भक्ति ऐसे नहीं होता है। जैसे हनुमत लाल नाम सुने कि नहीं, हनुमत लाल के बच्चों को खड़क मत जाओ, इसलिए हनुमान का नाम सुने कि नहीं, हनुमान किसको भजन करते थे, राम को भजन करते थे, इसलिए एक समय हनुमान जी को कृष्ण को प्रणाम करने के लिए बोले, तुलसीदास जी को भी मथुरा आए कभी बोले, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मेरे प्रभु राम हैं, जब तक आप धनुष मारने नहीं लोगे तब तक ये तुलसीदास सिर नहीं नवाएगा, लेकिन कृष्ण तो पूर्णतम है ना, इसलिए उन्होंने धनुष बाण लिए तो तभी तुलसीदास तभी प्रणाम किए, उसको पहले प्रणाम नहीं किए। हनुमान स्वयं कहते हैं
बोले श्री नाथे जानकी नाथे अभिन्ना परमात्मने तथा भी मम सर्वस्व राम कमल लोचन बोले श्रीनाथ मतलब कृष्ण व नारायण जानकी नाथ मतलब राम यद्यपि ये दोनों एक ही है लेकिन एक ही होने पर भी तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन लेकिन मेरा जो सब कुछ है ना ये सियावर राम है। ये एकनिष्ठ भक्ति बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं। मन हमारी एक ही है मन दो नहीं इसलिए गोपियां कहते ना उद्धव मन ना भयो दस बीस एक मन सो गए श्याम संगे को आराधे तीस। ध्यान की बात करते हो ना ध्यान तो मन से होता है मन तो दस बीस है ही नहीं मन तो एक है। मीरा क्या कहती है मेरे तो गुरीधर गोपाला दूसरो ना कोई। बोले एक समय एक मुसलमान एक हिंदू में लड़ाई होगी मुसलमान कहते मेरे अल्लाह बड़ा और हिंदू कहते हमारे भगवान बड़ा। बोले परीक्षा किया जाए बोले कैसे बोले चलो एक पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे अपना अपना इष्टों का नाम लेके हम छलांग लगाएंगे जो बच जाएगा पता चलेगा उसका ही भगवान बड़े। मुसलमान पेड़ में चढ़ा वो तो एक अल्लाह को पूछता है बोले हे अल्लाह अगर तू सच्चा है तो मेरे जान बचाना तेरे को मैं पुकारता हूँ। वो छलांग लगा तो कुछ नहीं हुआ अरे जो हिंदू था ना इसका तो एक निष्ठा है नहीं। बोले श्री हे गणेश जी हे विघ्न विनाशक हाँ मेरे को बचाना तेरे नाम लेकर कूद रहा। इतने में थोड़ी देर बाद में किसने क्या किया इतने में बोले भैया उसको माँ को थोड़ा क्यों स्मरण नहीं करते पहले तो श्री गणेश जी तैयारी हुए रक्षा करने के लिए जब उन्होंने माँ को स्मरण की बोले उसका भैया को थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। बोले हे देवी मैया हमारे प्राण को रक्षा करना तेरे नाम लेकर। गणेश जी ने कहा पहले मेरे को पुकारा और मैंने उसको बचाने के लिए आया फिर मेरे मैया गणेश जी चले। इतने में माँ को पुकार कर कहते हे भोले बाबा हाँ मेरे को जान बचाना आपका नाम लेकर। पार्वती बोली भैया मेरे को बुलाए मेरे को मैं आई हूँ और फिर दूसरे ऐसे करते करते कोई उसको तो उसका कोई निष्ठा है ही नहीं उसकी लास्ट में खुदा का हाथ पैर टूट गया। ये चीज को समझो अगर एकनिष्ठ नहीं होगे ना मन तो तुम्हारी एक है ना दस बीस तुम्हारी मन है बता मन कितने हमारी एक ही मन है ना। ये मन तो एक को दे सकते हो ना दस बीस को दे सकते हो। जैसे एक पतिव्रता नारी पतिव्रता नारी किसको कहते हैं जो अपना पति को चरने में ही सब कुछ दे देती है तभी तो उसको पतिव्रता नारी कहती है ना। कहते जो भक्ति एक पतिव्रता नारी की धर्म ये भक्ति धर्म है ये खिचड़ी धर्म नहीं ये भगवान खुद कहते हैं स्वयं यहाँ पर कपिल मुनि भगवान स्वयं कहते हैं बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंति जो दृढ़ जो दृढ़ पूर्वक अनन्य रूप में मेरे भक्त मेरे को भजन करते हैं। गीता में क्या कहते हैं कृष्णा ये गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। कृष्णा जब गीता में बहुत सारी बात बता ली कहते हे अर्जुन चूंकि तू मेरे दोस्त हो आज तेरे को सर्व गृहतम तेरे को गोपनीय गोपनीय तरह गोपनीय तम तेरे को मैं बात बता चुका हूँ अभी सर्व गृहतम गोपनीय में भी जो सर्व गोपनीय बात मैं तेरे को बता रहा हूँ। कृष्ण क्या कहते हैं बोले मन मना भव मन और किसको मत दिया कर मेरे को बोले मत भक्त भव भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बन माम जाजी पूजा करना तो मेरे को पूजा करो माम नमस्कुरु प्रणाम करे तो मेरे को। अर्जुन ने कहा तेरे को सब करेंगे तो क्या बोले माम एससी मेरे को मिलोगे बोले तेरे को मिलेगा तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक चले जाओगे ना पुण्य खत्म होते यही आओगे यही चक्कर काटोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन माम एससी माम उपतु तू कौनते पुनर् जन्म न विद्यते जब तू मेरे भजन करके मेरे पास में आओगे संसार का जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए खत्म हो जाएगी ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसलिए यहां पर भगवान देखो जैसे एक बहू घर में शादी होकर के आती है उसको जेठ भी है उसकी ननद भी है उसकी सास भी है ससुर भी है लेकिन सबको सम्मान देती है कि नहीं सबको सम्मान
लेकिन अपना हृदय में किसको बैठा कर रखती है? दिल की बात किसको बोलती है? बोलो किसको बोलते हो? अपना पति को। अगर किसको साथ में घर में थोड़ी ठंडबन लड़ाई हो रहा है वो किसको लेकर अलग हो जाती है? पति को लेकर। उसी तरह सबको सम्मान असम्मान किसको नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन हृदय में केवल एक कान्हा को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके और हृदय में किसको स्थान नहीं देंगे। केवल उसी को ही हृदय में उसी को ही स्थान दो, लेकिन सबको सम्मान करते रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान बात बताई। बोले माँ जब गर्भ में बच्चा का 9 महीना हो जाए 7 महीना हो उसको पूर्ण ज्ञान होता है। वो देखता है कहाँ नरक को अदर में पड़ा हुआ, जिनके लिए कर रहा था वो पुत्र परिवार कहाँ है, लेकिन कर्म का फल तो मुझे अकेला लेना पड़ रहा है। फिर ठाकुर जी को प्रार्थना करता है, ठाकुर जी मेरे को ये नरक से निकालो। बोले बताओ अभी क्या करूँ? बोले फिर एक बार हमें ये मानव शरीर दोगे मैं कसम खाता हूँ कभी ये झूठे संसार में फंसूंगा नहीं, दिन रात उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा। बोले ऐसे नहीं कष्ट पा करके कसम खा रहे हो और जो जन्म ले लोगे ना फिर ऐसे नहीं भूलते नहीं जाओ। बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा, मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को वोटन लगे तो पास, वो भजन के लिए आए लेकिन भजन को तो एक तरफ पे रख दिया, जो काम के लिए आए और जो करने नहीं आएगा ना उसी में ही कर लग बोले हम। हाँ इसलिए जब कोई कसम खाता है, हम पहले बताए ना ठाकुर जी क्या कहते तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? जब एक बाल पक जाए, देखा ना यहीं से बाल पकता है, जब एक बाल पक जाए फर्स्ट वार्निंग। बोले बेटा बोल करके आया था भजन करोगे, कितने समय स्मार्टफोन देखते हो, कितने समय टीवी खोल कर बैठती हो, कितना समय बहू बेटियों की बात और कितने माला करते हो, ये वार्निंग है। लेकिन वो उसका वार्निंग हम नहीं सुनते हैं, बाल को उखाड़ कर फेंक देते हैं, थोड़ी हम बुरा बुरी हो गए। फिर दो बाल बचता है हेयर उखाड़ देते हैं, जब खिचड़ी हो जाता है ना फिर मेहंदी लगा देते हैं, फिर कलर कर देते हैं। बोले थोड़ी हम बुरा बुरी हुए, भगवान दूसरा वार्निंग देते हैं। बोले क्या? बोले आंखों में कमजोर हो जाती हैं, फिर चश्मा लगा लेता है। तीसरे वार्निंग देते हैं, बोले दांत एक एक तोड़ते हैं, फिर डेंटिस्ट को पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते हैं। बोले चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगा, मतलब डंडा पकड़ना शुरू होगा। कहते ये एक एक ठाकुर जी की वार्निंग है, इसलिए समय रहते हुए भगवान के, बोले माँ समय रहते हुए क्या करो? भगवान की भजन कर लो, भगवान की भजन कर लो। लेकिन जब भजन नहीं करते हैं फिर क्या होता है? फिर शरीर छूटता है। शरीर छूटने का बाद आप लोग देखे ना, हमारे भारत में जब ले जाते हैं लोग कंधे पर 4 लोग क्या बोलते बोलते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते ना। बेटा जितने प्रभु का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ में नहीं जा रहा है। इसको शरीर छोड़ता है, फिर 13 दिन बाद में उसको शुद्धि क्रिया होती है। बोले क्यों? ये 13 दिन बाद में क्यों होती है? आप लोग देखना कोई व्यक्ति मरने का बाद घर में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, किसको घर में गरुड़ पुराण पढ़ाई होता है? मरने का बाद पढ़ाई होता है ना गरुड़ पुराण, उसमें सारी बात बताया गया। बोले वो व्यक्ति एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, कहते हो जो बैतरणी नदी वो टाटी पेशाब खून पी का वो बैतरणी नदी होता है, उसको पार करने में उसको 13 दिन लग जाते हैं। कितना दिन? और उसको कोड़े मार मार कर उसको पार करते हैं। आप लोग देखना जो बहुत कष्ट पा करके जो मरता है अंतिम सज्जा में लेट लेट करके, कहते भैया लगता है बहुत कोई पाप कर्म किया है इसलिए उन्होंने इतने कष्ट भोग किया। बोले उसको नाम पर गैया दान दे दो, गैया दान देने से उसका पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी वो पार हो जाएगा, इसलिए गोदान करते हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं की भागवत में वर्णना करते हैं, कहते उसको 13 दिन लगती हैं, लेकिन ये बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ता है? इसको पार करना पड़ता है जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनको। लेकिन जिनकी गले में तुलसी की कट्टी हो, जिनको पास में तिलक लगाते हैं,
तुलसी कट्टी पहनते हैं उनको कभी ये भयतरण नदी पार करना नहीं पड़ता है। इसलिए भागवत में हम अभी कथा सुनेंगे, अजामिल की कथा सुनेंगे। ये अजामिल की कथा सुनेंगे। अजामिल कथा में बताए जिस समय अजामिल ने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया और अंतिम समय में तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए कि हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य ये तीनों से कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत उसको लेने के लिए आते हैं। जब उसको गले में कालफास लगा करके खींच रहे थे इतने में उसने दूर में अपना बेटे को खेलते हुए देखा और जोर से पुकारा, बेटा नारायण नारायण ना, ये चार ये करता। इतने में दूसरे तरफ में चार विष्णु दत्त भागते भागते आए, बोले माँ भयो भय की कोई बात नहीं, हम तुमका रक्षा करेंगे। इतने में जमदूत और विष्णु तुम घमास हम लगाएंगे। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णु दूत कहते हम ले जाएंगे। इतने में विष्णु दूत ने पूछा जमदूत को, तो तुम्हारी परिचय क्या है? बोले हम धर्मराज लगाते। बोले धर्म तो बड़ा धर्म करने आए हो। बोले अधर्म क्या, तुमको पता ही ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, इसकी घर में बड़ी सुंदरी पत्नी, बड़ी प्यारी सुंदरी पत्नी थी, लेकिन इसी व्यक्ति ने एक वेश्या के चक्कर में पड़ करके ये अपना पत्नी को त्याग दी और घर का सारे संपत्ति वेश्या को दे दी। जब वेश्या को दे दी और उसको हाथ में अमेध्य कुमेध्य उसने भजन किया, सारे पाप कर्म इस व्यक्ति ने किया और किसी तरह से उसने किया। अभी 10 बच्चे हुए, अभी बच्चों को लालन पालन करने के लिए उसने ऐसे कोई कुकर्म नहीं, चोरी गुंडागर्दी सारे पाप कर्म इसने किया, भैया सीधा नरक जाएगा। बोले भैया उसने पाप कर्म तो किया है लेकिन ये पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले अभी उसने नारायण का नाम लिया। किसका नाम लिया? जोर से बोला, नारायण का नाम लिया। इतने में जमदूत कहते, बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार राम नाम ले लो, हो जाएगा एक बार राम नाम से। देखो ध्यान देकर सुनो ये नाम की महिमा की कितने शक्ति। इतने में विष्णु दूत कहते, बोले मूर्खो तुमको क्या पता भगवान के नाम में क्या शक्ति है? उदाहरण देते हैं, जैसे रुई का एक ढेर हो, देखो भूस का एक ढेर हो, उसमें अगर आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना, वो जला करके राख बना देता है। एक चिंगारी में इतने शक्ति। और भगवान का नाम कैसे है? कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से नारायण वो तो ना अपना बेटे को बुलाया था, भगवान को बुलाया था। तब विष्णु दूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करती है। बोले कितने कैसे कैसे? बोले सांकेत्यम परिहास्यम स्तोहम हेलन नमवा वैकुंठ नाम ग्रहणम
अशेष अगहरम ऋतु। पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम नारायण रख दिया, कान्हा रख दिया, राम रख दिया, जैसे बार बार बच्चे को बुलाते हो, इसको कहते इशारा। अगर इशारा करके भी ठाकुर का नाम लोगे उसमें भी पीड़ा पार हो जाएगी। इसलिए आप देखना, सब पहले भागवत कथा सुनते थे ना, सब सुनते थे, इसलिए देखना पुराना पुराना जितने लोगों का नाम देखोगे ना, सब ठाकुर का नाम, जितने माताओं का नाम देखोगे सब राधा रानी की, गायत्री, गीता, सीता, सब नाम। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुन्नो, गुल्लो, टिक्की, भिक्की, भिक्की, झिक्की, जितने सब विदेश में कुत्तों का नाम ना, सब कुत्तों का नाम देते हैं बच्चों का। मैं विदेश जाता हूँ, ये सब कुत्तों का नाम सबके सब है। कभी सब पुराना नाम था, गिरिधारी, कृष्ण, दामोदर, ये सब पुराना नाम हो गया सबके सब। हम अभी सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अंग्रेजी नाम रखेंगे। नहीं भैया, वृंदावन गए हो, वहाँ पर एक अंग्रेजी मंदिर, इस्कॉन मंदिर में कभी जाना, देख लेना, वहाँ पर जा करके देखना, उनका बच्चों को पूछना, अंग्रेजी बच्चों को नाम पूछ लेना कभी, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, हरे कृष्ण, राधे राधे, ललिता, विशाखा, सब बच्चों का नाम भगवान के नाम पर देते हैं, वो इधर उधर नाम नहीं देते हैं विदेशी लोग। लेकिन हम लोग ना थोड़ी बहुत ही अंग्रेजी पढ़ करके ना, अरे हम तो मॉडर्न हो गए सब जैसा। नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम दो बच्चों का, टिंकी, पिंकी, रिंकी, चीज मत दिया करो, हैं? इसलिए कि वो नाम के ऊपर में बड़ा प्रभाव है। जितना बार तुम बेटे को बुलाया जुहा से, तो उतना बार ठाकुर का नाम निकला ना। तुम्हारी कल्याण, बच्चे सुनेगा उसका कल्याण, घर में जब ठाकुर का नाम गूंजेगा ना, जितना बार तुम कृष्ण 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 राम राम बोलोगे, वो शब्द घर में गूंजेगा। गूंजने से क्या होगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, घर से सारे अमंगल दूर हो जाएगी। इसलिए सब बच्चों का नाम ठाकुर का नाम दिलवाना है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के नाम में इतने शक्ति, इतने में जमदूतों ने, जमदूतों को विष्णुदूतों ने मार मार भगा दिया। जब भगा दी, इतने में जमदूतों ने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के जब महाराज को चरण में फेंक दिया, बोले आज से आपका कोई नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले क्या हो गया, जगत में आपका आदेश कोई पालन नहीं करते। अरे बात तो बताओ। बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था अजामिल, हम उसको लेने के लिए गए थे, पता नहीं कहाँ से चार हाथ वाला आ गए, शंख चक्र गदा पद्म, इतने सुंदर थे, हमें इतने अपमान की जो हम सहन नहीं कर सकते, उनको पकड़ करके दंड दो नहीं तो जान हम त्याग देते, प्राण त्याग करेंगे, इतने अपमान हम सहन नहीं कर सकते। बोले भैया ये तो बताओ, वो मरते समय कुछ बोला था? बोले हाँ, मरते समय उसने एक बार नारायण नाम दिया था। किसका नाम लिया था? जब महाराज नारायण नाम सुने ना, वो बेहोश हो गए। बोले भैया बड़े दिनों में ठाकुर का नाम सुनने को मिला। बोले ठाकुर, वो ठाकुर, हम तो सोच रहे थे जगत का हरता करता विधाता आप हो। बोले मूर्खों, तुमको क्या पता है, ये तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे प्रभु ही भगवान नारायण है, उन्होंने कृपा करके ये जगत को दंड देने के लिए मेरे ऊपर अधिकार उन्होंने दिया है। जगत का मालिक तो ठाकुर भगवान श्री नारायण जगत का मालिक है। बोले देखो खबरदार, जो भगवान की भजन करते हैं ना, उनको पास में मत जाया करना। तब जमदूतों ने पूछा, भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता है? देखो ये जम महाराज कह रहे हैं, आप ध्यान देकर सुनो, कौन भजन करता है कि नहीं करता पहचानेंगे कैसे? बोले ललाटे तिलकम नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। यहाँ पर कहते हैं भक्तों का तीन लक्षण देखोगे, क्या देखोगे? ललाटे तिलकम, ललाट में तिलक लगाते हुए देखोगे, कंठे त्रिकंठिका, गले में तुलसी की माला देखोगे, और क्या देखोगे? भगवान के नाम करते हुए देखोगे। ये तीन चीज भक्तों में दिखाई पड़ेगा। जैसे एक सधवा नारी, हमें कैसे पता चलता है? मांग भरती हो, सिंदूर लगाती हो, मंगल सूत्र पहनते हो, नाक में बेसर चूड़ी पहन रखे हो। भैया कब से ये सुहागिन बन गई तुम? शादी से पहले पति से कोई मतलब था? बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, मर गया तो गया सारे श्रृंगार। जब दो दिन ही पति के लिए हम इतने श्रृंगार भर देते हैं, पर जो परम पति हमारी, जो जन्म जन्मांतर का जो पति, तो उसके लिए कितना नहीं करनी चाहिए? उसके लिए तुमने क्या धारण करके रखे?
तुम जो भगवान की भक्ति कर तो क्या लक्षण तुम्हारे शरीर में, ये कहती है जम कहते हैं उनके शरीर में ये तीन लक्षण होगा, गले में तुलसी कंठी पहने होंगे, तिलक लगाए होंगे और ठाकुर जी के नाम करते होंगे, ये तीन चीज देखोगे ना पता चलेगा ये भगवान की ये भक्त है, भजन करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना यूनिफॉर्म ड्रेस पहन करके जाते हैं, पढ़ाई को साथ में यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक नहीं पहनोगे तब तक अंदर घुसने नहीं देंगे। एक जब वकील जब जाता है कोर्ट में, जब तक वो अपना कोट नहीं पहनेगा ना तब घुसने नहीं देंगे उसका अंदर में है। जैसे पुलिस पता कहीं चलता है उसका ड्रेस से, उसी तरह जब भगवान की जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या लक्षण होनी चाहिए, तीन लक्षण होनी चाहिए, तिलक कंठी और श्री माला होनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है। इसलिए आपको पता चलता है ये भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए वहां पर श्री हाँ देखो इतना कथा मैंने क्यों सुनाया, इसलिए हमने इतना कथा सुनाई, कहते जो व्यक्ति मरने का बाद जो नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम कौन सा नदी है, बैतरणी नदी। कहती है बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ेगा, बोले जिनकी गले में तुलसी की कंठी नहीं होगी, जो तिलक नहीं लगाई होगी, जो भगवान की नाम जप नहीं करते ना उनको ही धारण करना पड़ता है। अगर आपकी गले में तुलसी कंठी होगी जम स्वयं कहते हैं, अगर तिलक धारण किए होंगे ना आप देखना आपको वो बैतरणी नदी आपको कभी भी पार करना नहीं पड़ेगा। अगर तिलक नहीं कंठी नहीं है ना, इसलिए जब महाराज कहते बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, कितने तरह के, एक पालतू और एक फालतू। बोले पालतू का लक्षण किया, बोले गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं, और फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। जिसकी गले में तुलसी कंठी वो ठाकुर का पालतू है। किसका पालतू है ये, कौन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे कबीर कह रहे हैं, ये कबीर दास की दुआ है। कहते हम पालतू किसके, राम के हम पालतू हैं, हम फालतू नहीं ऐसे घूमने वाले नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी वो ठाकुर का पालतू, और जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं वो कौन हो गए, अरे जोर से बोला, जोर से बोला, बताओ पालतू बनेंगे ना, फालतू बनेंगे, पालतू बनेंगे ठाकुर जी के, हम पालतू बनेंगे। अब ये कंठी तिलक के ऊपर में हमारे श्री प्रभु जी चिराग प्रभु जी थोड़ी सी ये कथा सुनाएंगे, ये इसको ऊपर में थोड़ी कथा सुनाएंगे। बोलो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, बात है नहीं माता जी, बात है नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नाम परम भागवतान्नमामि। संचिन्तयत् भगवच्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुह लंच नट्यम उत्तुंग रक्त विलसत् नख चक्रवालः ज्योत्स्नाभिरामः दभिर्हृदयांधकारः। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्य भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला परमिष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु पति पावन प्रियतम परमेश्वर भगवान की अकारण करुणा वरुणालयता के कारण मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को महाराज जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी के ब्याज से सुनने और कहने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियां आप सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं भगवान के भगवान को अपना है, भगवान हमारे हैं अथवा हम भगवान से जुड़े हैं अथवा भगवान के शरणापन्न हैं, तो इससे इनकी तो जो चिन्ह है उनके विषय में आपसे कुछ कहूँ। लेकिन उससे पहले श्री गुरुदेव ने थोड़ी देर पहले श्री नरसिंह जी का स्मरण करा दिया था, कराया था ना, नरसिंह जी का स्मरण कराया था, तो दो शब्द उनके लिए। जब श्री नरसिंह जी का श्री भगवान भात भर रहे थे उनकी बेटी का, नरसिंह जी की बेटी का,
तो भगवान ने इतना सुंदर भाग श्री नरसिंह जी की बेटी का भरा नानी बाई का कि जो जिस उस क्षेत्र में जिस कन्या का विवाह अभी तक हुआ नहीं वर की, तो उस बेटे की कन्या जो अभी तक आई भी नहीं उसका भी भगवान ने पूरा श्रृंगार दान दिया। नरसी को सांवरियों बाटे कपड़ा और गहना, आओ आओ री बहना। नरसी को सांवरियों बाटे कपड़ा और गहना, आओ आओ री बहना। कर्ण फूल कंगन कड़ूला और अन्य अन्य लहंगा ले लो जी जी, दे रहे मोहन महंगे से महंगा, आओ आओ री बहना। नरसी को सांवरियों बाटे कपड़ा और गहना, आओ आओ री बहना। ये पूज्य बक्सर वाले मामा जी के शब्द थे। अस्तु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि तिलक और कंठी पर कुछ कहूं, तो देखिए हमें कैसे पता चले कि हम श्री भगवान के हैं, गुरुदेव के शरणापन्न हैं, भगवान के शरणापन्न हैं। सबसे पहले हम लोग कंठी की बात करते हैं। जो हम लोगों ने ये कंठी धारण की है, इस कंठी को क्या कहते हैं, किसकी कंठी है ये? तुलसी की कंठी है ना, तुलसी की कंठी है। देखिए तुलसी शब्द इतना पवित्र है कि श्री भगवान कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण समस्त भुंजन येन स निष्पाप भवति। श्री तुलसी जी के स्मरण से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये तुलसी जी ऐसी हैं। दूसरी बात, ये जो तुलसी है ये साधारण नहीं है। साक्षात गोपियां तुलसी जी के विषय में कह रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित त्वालय कुलई विव्रत दृष्टः केन प्रियच्युतः। हे तुलसी कल्याणी, कल्याणी शब्द का बोध कराया है तुलसी जी के लिए, ये साक्षात कल्याण करने वाली है। देखिए तुलसी जी जो है इसके हम लोग परमार्थिक भी अथवा हम लोग इसको भावनात्मक दृष्टि से भी देखेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे और इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे। ये तुलसी जी साधारण नहीं है। सबसे पहले मैं इसको पद्म पुराण के विषय से समझाता हूँ। देखिए जिसके गले में तुलसी है ना और स्नान करता है व्यक्ति, जब व्यक्ति स्नान करता है तो वो तुलसी, वो जो जल हमारे शरीर को मस्तक को छूता हुआ, जब तुलसी जी को स्पर्श करता हुआ पूरे शरीर पर पड़ता है, तो भारतवर्ष में जितनी पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है तुलसी जी के स्पर्श से। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नानम भवनिधि तेन न संशयः। पद्म पुराण का श्लोक है। स्नान के जल को जब तुलसी को छू करके शरीर पर पड़ता है तब भारत वर्ष की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और हम लोग स्नान करने के लिए कोई कुंभ जा रहा है, कोई कावेरी जा रहा है, कोई नर्मदा जी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। घर में पवित्र होने का सबसे उत्तम साधन है कि भगवान की ये तुलसी का चिन्ह धारण किया जाए। उसके बाद जिस व्यक्ति के कंठ में तुलसी नहीं है, हमारे देखो अभी तो क्या हो गया, सब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सी बात हो गई, अभी तो बहुत ढील दे दी है अध्यात्म में। पर हमारे पहले के संत जिसके गले में कंठी नहीं होती थी ना, उसका छुआ हुआ जल भी नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि जिसके गले में कंठी नहीं है ना, यद कंठे तुलसी नास्ति ते नराह मूढ़ मानसाह श्रोति विष्टाम समम चान्नम जलम चमदिरा समम। जिसके गले में तुलसी नहीं है ना, उसके द्वारा छुआ हुआ जल मदिरा के तुल्य है, शराब के तुल्य है, और उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वान विष्टा के तुल्य है। इसलिए जिसके हमारे पुराने संत जो थे ना, तुलसी जी यदि गले में नहीं है तो यहां तक कि कुएं से बाल्टी भी नहीं भरवाते थे स्नान की, नहीं इसके गले में तुलसी नहीं है।
इस कारण से ये तुलसी परम पवित्र है। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लो। देखो तुलसी जी हम लोग क्यों पहनते हैं, देखो ये अभी रिसर्च हुआ है, जो ईएनटी मेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, ईयर नोज और थ्रोट, कान नाक और गला, इसके इसके डॉक्टर प्रमाण देते हैं इस बात को कि जिनके कंठ में तुलसी जी विराजमान है ना, उनको आंख के, कान के और गले, ईएनटी जो रोग होते हैं, ये जो डिजीजेस होती हैं, ये बहुत प्रतिशत कम होती है, अपेक्षा जो धारण नहीं करते उसके। दूसरी बात, जब कंठ में तुलसी धारण होती है तो जो जो अग्नि शरीर के अंदर होती है वह नियंत्रित होती है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो रेगुलेट करती रहती है जब कंठ में तुलसी धारण की है तब। और अच्छा एक और प्रूव आया है, एक ये बात आई है कि जिस व्यक्ति को निद्रा की दिक्कत है, नींद की दिक्कत है, अब महाराज क्या करें, नींद तो आती नहीं है, रात रात भर टेलीफोन फोन ये सब चीजें चलती रहती हैं, नींद कैसे आए। लेकिन फिर भी चलो अगर नींद नहीं आती किसी को, कईयों को दिक्कत होती है ना महाराज, नींद की तो इतनी भारी समस्या है लोगों को, बहुत ज्यादा, और फिर सुबह लेट उठेंगे, अब जब रात को नहीं सोएंगे तो लेट सुबह उठना ही है, लेकिन नींद नहीं आए उसके लिए, तो लिखा है, लिखा नहीं, ये प्रूव हो गया है कि यदि यदि 51 लीव्स ऑफ तुलसी, 51 पत्ते जो हैं तुलसी के, यदि 51 पत्ते तुलसी के उसको एक पॉलिथीन में रख करके और तकिए के नीचे सोने से आधा घंटा पूर्व रख दिया जावे और उसके बाद शयन करें तो बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। तुलसी जी का ये कमाल है। और भी अन्य अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं। फोन, हमारा जो फोन है, जो हम लोग का जो फोन है, तो अभी पीछे ये भी इस बात का भी नोटिफिकेशन आया है कि जो फोन के अंदर से हार्मफुल रेज निकलती हैं, हानिकारक किरणें निकलती हैं, यदि तुलसी जी के पत्ते पीछे फोन के कवर के अंदर घुसा दिए जाएं कुछ पत्ते, तो जो मोबाइल फोन से निकली हुई हानिकारक किरणें हैं ना, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये तो खुद रामदेव ने पतंजलि में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है महाराज। इस कारण से तुलसी के अन्य अन्य है, फ्रिकर्ट्स नामक की एक जो बहुत भारी बीमारी है जिसको हृदय रोग का मुख्य कारण बताया गया है, द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक, तो जो फ्रिकोइट्स है, तुलसी जी की कृपा से अथवा तुलसी जी धारण करने से वह हृदय रोग कितने प्रतिशत कम होता है, 86% लो होता है, 86% कम होता है, इसीलिए हृदय रोग भी। और तुलसी जी अन्य अन्य प्रकारों से तो बहुत, और आध्यात्मिक से तो दृष्टिकोण ऊपर ही है तुलसी जी का, इसीलिए आप इसको साधारण मत मानिए कि गले में कंठी है, वैष्णव लोग पहनते हैं तो एक ये चिन्ह सा हो गया कि भैया तुम वैष्णव है, तू वैष्णव है, जैसे एक स्कूल में जाते हैं तो आई कार्ड रहता है ना गले में लटकाए डोलते हैं बच्चे कि आई कार्ड है, इस फलाने स्कूल का बालक है, तो ये ऐसा साधारण लिंक इसके साथ नहीं कीजिए। बहुत प्रूव है तुलसी जी के, बहुत ज्यादा प्रूव है। तुलसी जी एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसके, अच्छा एक और बात है तुलसी जी के लिए, जो तुलसी जी को नित्य प्रति प्रणाम करता है, महिलाएं जो है वह पंचांग प्रणाम और पुरुष वर्ग जो है साष्टांग प्रणाम करता है, तो पक्की बात है कितना भयंकर से भयंकर रोग उसके शरीर में है, वह रोग कुछ ही काल में बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तुलसी जी महापातक नाशकी है, ये न तुलस्या, महापातक को नष्ट करने वाली है तुलसी जी। देखिए, देखो एक और बात है, एक बार क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, एक नाटक करने वाले ने एक नाटक दिखाया मंच पे, बहुत सुंदर, तो उसको अभिनय मिला था रोने का, महाराज उसने ऐसा नाटक करके दिखाया, ऐसा रोया वो मंच पे कि रोते रोते सारे के सारे दर्शक भावुक हो गए, और जब वो चला गया, पर्दा बंद हो गया, तो भी पैसा उसके वो मंच पे धर गए कि उसको आवश्यकता होगी, ऐसा गजब का रोल किया। ठाकुर जी ने यदि हम लोगों को रोल करने के लिए बुलाया है वैष्णव का, तो महाराज ऐसा रोल करें ना चकाचक कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा साधारण लंजू पंजू जरा सा घटिया सा रोल क्यों करें हम लोग, मस्त सा रोल करें ठाकुर जी के लिए। तो जब ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव मिल गए हैं और
मूर्ति धारण करी तो ऊट पटांग खा लिया। खाने में लसन प्याज इत्यादि का परम निषेध है। ये बात भी याद रख लेना। लोग कहते हैं कि ऐसे भी उदाहरण है कि कंठी धारण करी तो भी रोग हो गया। अरे उसने वास्तव में जो परहेज है वो तो बरता ही नहीं। तिलक कंठी धारण करने के बाद भगवान को जो छूने भोग लगाने लायक चीजें नहीं है प्याज लसन उसका सेवन करोगे और फिर कंठी धारण करोगे तो फिर क्या फायदा रहेगा महाराज। इस कारण से ये परम आवश्यक है कंठी। देखो कंठी धारण करने के इतने इतने फायदे हैं, साइंटिफिकली भी आपको बता दिया, आध्यात्मिक भी आपको इसका दृष्टिकोण दे दिया। तुलसी जी का दर्शन करने वाला महापातक ही व्यक्ति भी हो तो केवल दर्शन करने के बाद उसकी मृत्यु का यदि मस्तक पर लगाता है तो भगवान कहते हैं कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है तेरे को, तू तैयार है धाम में आने के लिए। उसकी मृत्यु का भगवान गाय के खुर के अंदर जो मृत्यु का होती है, खुर की रज होती है, जब वो दैन होती है उसकी तुलना श्री तुलसी जी की जो मृत्यु का है उसकी अपेक्षा ज्यादा है। इस यद्यपि गाय में तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, तुलसी जी तो साक्षात भगवान की प्रेयसी है। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, ठाकुर जी की प्रेयसी है तुलसी जी, इसीलिए तुलसी अवश्य 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 धारण करें। और अब तिलक की महिमा, अब तिलक भी तो है ना। देखो ये जो तिलक लगाया है हम लोगों ने, ये जो तिलक लगा रखा है, ये तिलक को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपुंड। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक खिंचता है ये, इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। जो ये तिलक है ऊर्ध्वपुंड, ये साक्षात भगवान के जंघोप मंदिर का प्रतीक है, भगवान के मंदिर का स्वरूप है तिलक। शास्त्र बताए जंघोप मंदिर येन राघवाह येन माधवाह तत्क्षीण प्रदायः। भगवान जंगम मंदिर श्री भगवान, भक्तों के जंगम मंदिर श्री भगवान जो है उनका प्रतीक है ये तिलक। ये तिलक लगाने से क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो गई और तो उस मरते टाइम उस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक है तो कहते हैं ऊर्ध्वपुंड्रो धर्योर मृत्यो स्मृयते यत्र कुत्रचित, अरे स्वपाकोऽपि विमानस्थं मम लोके महीयते। अरे किसी भी दशा में मर जाए, कहीं भी मर जाए, उसकी दुर्गति नहीं होगी, विमान आकाश से आएगा मैं उसको लेने के लिए और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेगा। भगवान के दिव्य तिलक, कैसा भी व्यक्ति महापातकी व्यक्ति हो ये तिलक धारण करने की अद्भुत महिमा है महाराज। महाराज सनातन धर्म से बड़ा उपकारी धर्म कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। भगवान ने कितना ज्यादा कंसेशन हम लोगों के लिए किया है नहीं। जैसे एक नई नई बहू है वो जैसे अपने घर से बाहर, जैसे वो घर से बाहर जाती है तो वो बहू गले में मंगलसूत्र को धारण किए हुए हैं, मस्तक पर बिंदी को धारण किए हुए हैं, मांग में सिंदूर को आपूलित किए हुए हैं, और जैसे ही वो अपने घर से बाहर जाती है तो सामने खड़ा हुआ कामी व्यक्ति एक बार दृष्टि करता है कि इसको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी की परिणीता है, इसका किसी और से पाणी ग्रहण हो गया है, वेद मंत्रों द्वारा दिव्य दिव्य मंत्रों द्वारा इसका इसके पति के साथ लग्न घोषित हो गया है, इसलिए इसको नहीं देखना, तो दृष्टि नीचे कर लेता है। ऐसे ही जब वैष्णव जब तिलक और तुलसी धारण करता हुआ अपने महल अपने अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो सामने खड़ी हुई गंदी कामना और वासना भी एक बार देख करके सावधान हो जाती है कि इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये श्री गोविंद का है। भगवान की दिव्य तिलक और तुलसी की अनन्य अनन्य कृपा है। देखो एक बार ध्यान रखो, गुरु जी ने भी अभी बताई है फिर भी बता देता हूं, यदि अन्य अन्य आश्रित रहोगे श्री कृष्ण को छोड़ करके श्री हरि को छोड़ करके तो कभी बैलेंस नहीं हो पाओगे। ये बात तो फैक्ट है, ये तो मेरा अनुभव है इसलिए बता रहा हूं। गजेंद्र जब हाथी और मगर की तो कथा सुनी रखी है ना सबने, हाथी डूब रहा था मगर ने पैर पकड़, हाथी तैरने के लिए आया मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिए, हाथी ने ताकत लगाई बाहर आया, फिर मगर ने अंदर किया, हाथी फिर बाहर आया, फिर अंदर किया, फिर बाहर आया, फिर अंदर किया। यही तो स्थिति हमारी है। बुढ़ापा आया, आने के बाद क्या हुआ, आंखें खराब हो गई तो मगर अंदर ले गया, लेकिन आहा बढ़िया चश्मा बढ़िया लेंस लगा करके हाथी फिर से बाहर आ गया,
दांत टूट गए तो मगर अंदर ले गया, लेकिन बढ़िया डेंटिस्ट के पास जाकर के बढ़िया से बढ़िया सी पत्ती सी लगा ली तो हाथी बाहर आ गया, बाल सफेद हो गए तो ले गया अंदर मगर। लेकिन अरे हम भी तो कोई कम थोड़ी ना, बढ़िया डाई, बढ़िया लोरियाल की और मैंने कौन कौन सी लिरेल की गोली, कौन कौन सी डाई लगा करके फिर से बाहर आ गया हाथी, हम कम थोड़ी ना। लेकिन जब वो अवस्था आ गई कि ये डाई फाई सब कुछ जब खत्म हो गई, जब इनकी जरूरत, जब जब इसका लगाने की स्थिति नहीं रही, तब उसके बाद क्या किया गजेंद्र ने, तब पता चल गया कि भैया ये तो समय गया, अब क्या किया जाए। तब दोनों हाथ, तब अपनी सूंड को उठा करके गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, यत कश्चनेषु बलिनोंत कोरगात प्रचंड द्वेता भवता बृदु दृशम भीतम प्रपन्नम परिपाद यत भयान मृत्यु प्रधावत चरणम कुणीमही, पाहिमाम श्री हरि, मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। भगवान शेष शैया पर पौड़े हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। जब चरण दबा रही थी लक्ष्मी जी, तो देखो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, हाथी ने जोर से पुकारा भगवान डूब रहा हूं मैं। भगवान ने लक्ष्मी जी के हाथ से चरण खींच लिए, छोड़ मेरे चरण। भगवान उठे हैं, पर्यंकम विसजन गणान गणयन भूषा मणिर विस्मरण नत्ता नोति गदा गदम चंडिकित पद्मा मया लोकयन निर्गच्छन्तिम परीक्षितम खगपतिम चाप बाणो धरो ग्राहा मस्त मतंग पुंग समुद्धाराय नारायणाय। भगवान कूद पड़े हैं और गरुड़ को बुलाया है, गरुड़ आजा आजा, मेरा भक्त डूब रहा है, मेरा भक्त डूब रहा है। गरुड़ आया, गरुड़ आने के बाद गरुड़ सोचा, अरे मेरे बिना तो ठाकुर जी का काम ही नहीं चलता है, मैं ही तो लेकर के उड़ता हूँ। तो भगवान बोले, गजेंद्र को तो बाद में बचाऊंगा, पहले इसका अहंकार दूर करूं। भगवान ने कहा, गरुड़ ले मेरी उंगली को उड़ा। भगवान ने उंगली रख दी गरुड़ पे, गरुड़ बोला पूरे बैठ जाइए ना। बोले नहीं नहीं, तू आज मेरी उंगली को ही उड़ा के दिखा। भगवान ने उंगली रखी तो गरुड़ फड़फड़ाए जोर जोर से, महाराज उड़ा ही नहीं जाए उससे। भगवान ने कहा, अहंकार करते हो, मैं त्रिलोकपति को लेकर के उड़ता हूँ, अरे तुम में क्या सामर्थ्य जो तुम मुझे लेकर के उड़ो, अपने दोनों चरणों में बांध करके मैं ही तुम्हें उड़ता हूँ। तब गरुड़ तो शर्मिंदा हो ही गया, बोले अब तो बैठ जाओ, हो गया मैं तो कायल। तो भगवान आए हैं, आकर के भगवान ने रक्षा करी है। ये गजेंद्र मोक्ष की लीला भी आज का ही दिवस था, इसलिए मैंने कह दी। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जब भगवान ने अवसर दिया है तो फिर हम इस अवसर से क्यों चूके। गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान है, भगवान गुरुदेव के रूप में भगवान के प्रकाश साक्षात विराजमान है। भैया फिर हम लोग क्यों देर करें तुलसी कंठी लेने के लिए, क्यों ना अपना कल्याण इसी जन्म में ले करवा ले हम लोग। भैया तिलक और कंठी अवश्य अवश्य धारण करो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यमराज लेकर के जाएंगे। और लगई हैं तेरे जोर के डंडन वा कैसे बीतेगी, अरे कबहू कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी रे तेरी कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन वा कैसे बीतेगी। बालापन हंसी खेल गवाया आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई तो दुल्हा बने गुमानी, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, अरे कबू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ गुरुदेव को प्रणाम करता हुआ वांछा कल्पतरुवृष्ट कृपा सिंधु पति का नाम पावन वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो हमारे बीच में माता जी की आप एक गुजरी है, आपकी आप जानते हो कौन कौन जानते हो गुजरी हो, सब जानते हो। ये जो सरिता दीदी जी, ये अपना ये जूम में कथा देती है, ये आप सोच नहीं सकते, इसने इतनी गुजरियों को जोड़ी, ये जूम में कथा देती है, भगवत गीता कभी राम कथा कभी कृष्ण कथा जूम में देती है। इसलिए अभी कल के पर कल आई थी, शायद 10-15 माताएं आई थी जो इनकी जूम में जुड़ी हुई, कल सबके सब माला गले में कंठी तिलक लेकर के कल गए हैं। और ये पहले जब गड़ी में रहती थी, ये गड़ी में पहले रहती थी और वहाँ पर बहुत सारे माताओं को उन्होंने जोड़ी है। ये घर घर में भी कीर्तन करती हैं और कथा भी करती हैं, कीर्तन करती, इतने लोगों को उसने
जीवों को कल्याण किया। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर एक व्यक्ति को माया से फंसे हुए जीव को अगर निकाल दिया ना, करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज खोलने से ज्यादा पुण्य है। लेकिन इसने पता नहीं कितने जीवों को उन्होंने ठाकुर जी को चरण में जुड़े, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते इतने जीव को उसने भगवान के भजन में इसने जोड़ दिया है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं जो भजन करते हैं। देखो ऐसे नहीं, इसका परिवार नहीं, इसका पति पति भी आए पीछे बैठे हैं, इनकी दो बेटे हैं, एक बेटे का शादी भी हुई है, ये अपना ब्यूटी पार्लर भी इसकी है, ये भी इसका भी काम करती हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी अपना भजन भी करते हैं और सबको भजन में लगाती हैं। कोई कोई कहते ना बहानाबाजी मार देते हैं, हमारे ये करना वो करना वो करना, लेकिन टीवी देखने के लिए 3-3 घंटा समय मिल जाती है, स्मार्टफोन के लिए समय, लेकिन भजन का बात बोलो ना समय कहाँ, समय कहाँ हमारे अंदर में। इसलिए ये अभी ये थोड़ी सी कथा आपको सुनाएगी कैसे हम घर में रहते हुए भी कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसी विषय पर हमारे सरिता दी थोड़ी सी कथा सुनाएगी। अरे इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अज्ञानी मीरांधान ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरकमिलतमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण लीलाय कथन सुदर्शन आदौर्य माधुर गुण संयुक्त वर्णम वर्णम पुरुषम महानतम नारायण तुम सिरसा नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनिशी नमः। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। भक्तविहीनापराधलक्ष्य क्षिप्ताजिकामादि तरंगमाद्य कृपया मयि त्वं शरणं प्रपन्या। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम जय श्री रूप सनातन भट रघुनाथ। जय श्री जीव गोपाल भट दास रघुनाथ। ऐछै गोसारी करि चरण वंदन याहि ते विघ्नास्तविष्ट पूरण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। भजो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णा कृष्णा जोर से बोलो कुछ माता है। हरे राम हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री नित्य नीलाम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत पूज्य पाद व्यास आसन पर बैठे श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी रूपानुग भक्तों के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। आप सभी कथा विपासु जनों और वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग प्रणाम। श्री गुरुदेव महाराज देखिए जो गुरुदेव अपने भक्तों की इतनी तारीफ करते हैं हम उस लायक हैं नहीं, और मैं यहाँ खड़े होकर कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसी हूँ, परंतु गुरुदेव का आदेश शिरोधार्य है और जैसा भी इन्हीं से कहते हैं समुद्र का जल बादल उड़ाकर ले जाते हैं और वापस उसी समुद्र में डाल देते हैं और समुद्र ऐसा लगता है जैसे और प्रफुल्लित हो गया और बढ़ गया, परंतु असल में वो जल किसका है, समुद्र का ही है। वैसे ही सब कुछ गुरुदेव का ही सिखाया हुआ है। और एक छोटी सी बात इस प्रकार से मुझे याद आ गई, जैसे गुरुदेव हमारे लिए तारीफ कर रहे हैं, बच्चों को एक उत्साह दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जल में एक पक्षी होता है जो मछली को जल में से पकड़ता है और उछाल के मुंह में लेता है, ये उसका खास गुण होता है। और इस प्रकार से तालाब में वो मछली उछालता और मुँह में लेता और एक इंसान ने देख लिया और उस इंसान ने देखकर उसको देखा कि ये कैसे पक्षी, इसको तो हाथ भी नहीं है
और कैसे ये उछालता है, मुंह से उछालता और वापस ले लेता है। तो उसने क्या किया कि आप देखते हैं सर्कस में इधर उधर जो बॉल करते हैं, तीन बॉल को ले लेते इधर से उधर, ऐसे कुछ उसने सीखा और सीख कर और उसको अपना बिजनेस बना लिया और लोगों को तमाशा दिखाता। और सीखा कहाँ से? उस चिड़िया से सीखा। और जब एक बार उसके इस गुण को देखकर कोई बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कहा भैया तूने कहाँ से सीखा? तो उसने कहा गुरुदेव का नाम नहीं लिया, उसने कहा अपने आप आ गए और उस दिन फेल हो गया। कहते हैं जिससे सीखा हुआ होता है उसका यदि गुणगान न करें तो हम सचमुच बहुत ही मंद बुद्धि और बहुत ही बेवकूफ़ हैं। हमें गुरुदेव इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और हम असल समझदार वही है जो इन सब बातों को धारण करे, हृदय में बिठा ले। और इसमें जैसे अभी गुरुदेव और हमारे प्रभु जी ने बड़े सुंदर रूप से बता दिया, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से, मुझे श्लोक लोक नहीं याद थे पर मैं साधारण भाषा में ही कथा करती हूँ, मैं नहीं करती गुरुदेव ही करते हैं। मैं एक छोटी सी आपसे एक बात कहूँगी, जैसे इस संसार में सब दुखी 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 सब दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, ये इसको सुन तो सब लेते हैं परंतु ये नहीं सोचते हम दुखी क्यों और सुखी राम के दास कैसे। तो इसके ऊपर ही मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक बार जैसे मेले में एक कोई माता पिता अपने बच्चे को घुमाने के लिए जाए, मेला बड़ा सुंदर है, बच्चे को बड़ा आनंद आ रहा है, घूम रहा है और जिद कर रहा है, खिलौने की जिद कर रहा है, खाने की जिद कर रहा है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। और यदि किसी कारणवश वो माता पिता से हाथ छूट जाए, मेले में भटक गया और भटक गया, मेला भी वही है बच्चा भी वही है परंतु अब बच्चे को आनंद नहीं आ रहा, वही स्थिति हमारी है, वही स्थिति हमारी है। हम हैं तो प्रभु के बच्चे भगवान के बच्चे परंतु यहाँ आकर इस मेले में चकाचौंध में हाथ छुड़ा लिया भगवान से और अब दुखी दुखी दुखी। इसी ये असल कारण है हमारे दुखी होने का। और सुखी कब होता है बच्चा? उसको कोई गोद में लेके लाख चीज दे दे परंतु थोड़ी देर वो खाता फिर उसको पिता की याद आ जाती है फिर रोने लगता है। वैसे ही हम सुखी तभी होंगे जब प्रभु की शरणागत होंगे और प्रभु की शरणागत करते हैं कौन? साधु। और ये साधु कोई साधारण नहीं होते, जिस प्रकार से मेरे गुरुदेव बड़े एक सुंदर मैंने एक कथा में सुना था, जिस प्रकार से आप सुबह देखते हैं ना कबाड़े वाली एक वो चुंबक लिए रखते हैं ना चुंबक कबाड़ा वाले और वो लठिया में उसको और देखते हैं आप उसको कबाड़े में ऐसे करते उसमें से क्या लोहा लेती हैं, वो लोहा लोहा कुछ भी कोई चीज़ होती है धातु की जो चीज़ उसमें चिपक के आ जाती है, वही ये साधु हैं। हम कूड़े में पड़े हुए थे और इन चुंबक ने हमको चिपका लिया और हमें कुछ हमें भी हमारा महत्व कि तुम सचमुच भगवान के बच्चे हो ये स्मरण करा दिया। ऐसे सदगुरु देव मिल जाए उसको उसके तो भाग्य खुल जाए, अन्यथा हम सब मूर्ख जीव मूर्ख। मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं बहुत मूर्ख बड़ी मूढ़ बुद्धि इस संसार में मौज मस्ती में आनंद आ रहा लेकिन सचमुच आनंद इस संसार में है नहीं, आनंद सचमुच भगवान की भक्ति में है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं हे अर्जुन हर एक जीव, जब अर्जुन ने सवाल पूछा प्रभु आपके तो सब बच्चे हैं फिर कोई सुखी कोई दुखी क्यों है, तो भगवान कहते हैं मेरे बच्चे सभी परंतु क्या करूं ये मुझसे विमुख हो गए हैं और विमुख होने के कारण अपने आप को ये कर्ता समझते हैं और जब कर्ता है तो भोक्ता भी यही रहेंगे। इसीलिए हे अर्जुन जो अपने आप को कर्ता नहीं उसको भोक्ता भी नहीं, अर्थात जो सब कुछ मुझे मानता है उसको कर्मों की सजा उसको नहीं भुगतनी पड़ती। और अर्जुन जो भी कैसे भी कर्म किए हो कितने भी जन्मों में लेकिन एक बार मेरी शरण में आके तो देखे मैं उसको सुखी बना देता हूँ, परंतु एक कलुषित एक कलयुग और जैसे भी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई ये देवी देव यहाँ पर ये देव बड़ा है वहाँ चले जाओ सुखी हो जाओ वहाँ, ये भटक भटक कर हम कहीं के नहीं रहते और ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। इसी प्रकार से एक बार हम कथा कर रहे थे कार्तिक की कथा, उस कार्तिक की कथा में एक बड़ा सुंदर बहुत अच्छी लाइन आई और जो हमारे जूम पे हैं वो सभी जानते हैं कि मैं गुरुदेव की कृपा से मैं ऐसी चेष्टा करना चाहती हूँ कि मैं सुखी हुई मैंने वो अमृत पिया तो मैं चाहती हूँ सब उस अमृत को पिए। और पहले तो ये जो अमृत है बड़ा कड़वा लगेगा आप सबको, क्यों कड़वा क्यों लगेगा, बहुत दिन का रोग है
बहुत दिन का रोग है, सुबह जल्दी उठ कैसे उठे, आलस से भरा पड़ा है, कैसे हरि नाम करे, चुगलियों निंदाओं में तो मन पड़ा लगा पड़ा है, कैसे भजन करेंगे, कैसे प्याज लहसुन छोड़ेंगे, जीव ने तो इतने रसना ले लिए हैं, कैसे छोड़ेंगे। पहले शुरुआत में अमृत कड़वा लगेगा, परंतु सचमुच जिसको आप अमृत समझ रहे इस संसार को, ये सचमुच विष है, ये हमारा नाश कर देगा। और जो हमें अभी कड़वी बातें लग रही है, जो भगवान के भजन की, इसमें भगवान का भजन करना, सुबह उठना, अपना आचरण करना, अपने अच्छे से हर नियम पालन करना, ये अभी जो कड़वा लग रहा वास्तव में ये अमृत है। इसको जब आप ग्रहण करोगे तभी आपको पता चलेगा। और एक छोटी सी बात करके ही मैं आपको समापन करूंगी। गुरुदेव, जो भी मैं कार्तिक के बारे में बता रही थी, एक बार भगवान श्री कृष्ण जब कार्तिक में जिस प्रकार से सब पालन करते हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, एक निष्ठ भक्त हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। भगवान कहते हैं, इंद्र कौन है जानते हैं आप? 33 कोटि जो देवी देवता, उनके राजा हैं इंद्र। इंद्र राजा बोलते हैं ना उनको, स्वर्ग का राजा। तो इंद्र से कहते हैं, इंद्र सावधान, मेरे भक्तों को कोई कष्ट न पहुंचे। और जब इंद्र के अंडर में सारे देवी देवता हैं, तो भला कोई कौन कष्ट पहुंचा सकता है। जब इंद्र से स्वयं भगवान ने कह दिया, इंद्र सावधान, मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना पहुंचे। और वहीं पर यमराज इंद्र, भक्त प्रहलाद महाराज, पितामह भीष्म, ये सब भगवान के बड़े निज भक्त हैं। और यमराज से क्या कहा है, हे यम, तुम मेरे भक्तों की सदा रक्षा करना। देखो, जो हमें सजा देने वाले उनको ही हमारा रक्षक बना दिया, ऐसे करुणा निधान भगवान और ऐसे भगवान, ऐसे गुरुदेव जिसको मिल जाए फिर कहीं क्यों भटका जाए। सचमुच बड़े आनंद की और बड़े ही अच्छी गौड़ी संपर्दा, बहुत ही अच्छी संपर्दा। वास्तव में जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, हम छोटे छोटे, देखो हम ग्रस्त हैं, हम भी अपने घर का काम कर रहे हैं और पता नहीं कैसे कार्य होता है। ये हमें अब अनुभव होता है कि कार्य असल में हम करने वाले हैं ही नहीं, कार्य करने वाले तो त्रिलोकीनाथ हैं। और गुरुदेव की कृपा से ऐसे कार्य हो जाता है पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं होता कहाँ से कार्य कहाँ बन गया, परंतु हुआ कब से, जब से हम उनके शरणागत हुए हैं। ऐसे नहीं कि लोग कहते हैं भैया तुम सुखी हो गए, हम तो सुखी बड़े दिन से भजन कर रहे हैं। एक निष्ठा से भजन करना होगा, सचमुच एक निष्ठा से। क्या भगवान कह रहे हैं, जितनी मात्रा में भक्त मुझसे ईमानदारी बरतता है, मैं भी उतनी मात्रा, मुझसे अधिक मात्रा मुझसे ईमानदारी भक्त करता हूँ। और जितनी मात्रा से मुझसे इंसान छल करता है, मैं उससे 4 गुना छल कर देता हूँ। तो भगवान से बड़े शक्तिमान कोई नहीं, उनसे क्या छल किया जाएगा, सचमुच हृदय आत्मा से। और देखो ये सुंदर कथा, अमृत रूपी कथा, अर्थात गंगा से भी और महत्वपूर्ण, ये गंगा आपके पास बहती ही चली आ रही, अमृत की गंगा। और इस अमृत की गंगा में गोते लगाओ और सतगुरुदेव से हरि नाम पाओ, सचमुच आपका जीवन ना बदल जाए। तो मुझे पकड़ लेना, मैं एड्रेस दे जाऊंगी आपको। जो नंबर बोल देना, ये कथा करती हैं। और इनको साथ में जो जुड़ी हुई ना, सवेरे 4-4 बजे उठ करके माला जप करते, 16-16 माला जप करते हैं, घर की भक्ति करते, सब कुछ करते हैं, अपना घर गृहस्थी भी संभालते हैं और खूब भक्ति करते हैं। इसलिए आप इनका नंबर ले लेना, अगर नंबर में जुड़ जाओगे ना। जूम ऐप पे जो बच्चों की क्लासेस चलती थी ना, दरअसल हमारे लॉकडाउन से शुरू हुआ था, पहले तो मठ मंदिर जाते थे, परंतु जब लॉकडाउन लगा, ये गुरुदेव की कृपा थी। एक दिन बैठे बैठे ऐसा ही स्मरण हुआ, और गुरुदेव तो हमारे हमेशा ही कहते थे कि भजन के बिना जिंदगी नहीं, और बंद से गए थे लॉकडाउन में, कहते जब तक संग ना हो तब तक भजन नहीं होता, एक अकेले में बैठकर भजन नहीं होता जब तक भक्तों का संग नहीं होता। और भक्तों का संग साक्षात ग्रंथ रूपी है, भक्तों का संग फोन में भी कथा सुन सकते हैं आप, और भक्तों का संग साक्षात असल में तो ये लाभ है जो आप कर रहे हैं अभी, जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी ही मिलता है। तो जूम पर हमने अपना लिंक बनाया, 1 जुड़ा 2 जुड़ा 3 जुड़े 4 जुड़े। और आप सोच नहीं सकते, शुरू शुरू में तो मेरा गला बैठा ही रहता था, क्यों, भजन भी करो बोलो उनको समझाओ, समझ नहीं आता था। और आज इतने सारे, मैं तो भजन गाने का मेरा तो नंबर ही नहीं, गौड़ीय वैष्णव के भजन करते हैं हम, संत की स्तुतियां वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जो बड़ी फलदायी होती है। सुबह मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे और 6 बजे तक सारा सब कुछ होकर फिर आधे घंटे हम भगवान की कथा करते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर भी उसमें मिलता है, स्वयं भगवान देते हैं, गुरुदेव देते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं। और आप आ सकते हैं, सुदेवीदासी नाम से मेरा लिंक है, और नंबर भी मैं आपको दे दूंगी, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 7217-8999-54, ये मेरा नंबर है।
आप ले भी सकते हैं, सीमा दीदी है, कालन दीदी है, और आप सबके पास मेरा नंबर तो हो गई 7217899954 सुदेवी दासी। और आप जो मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो लिंक मैं ही भेजूंगी आपको, ठीक है, लिंक मैं भेज सकती हूँ आपको, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आप लीड लगाकर सुनते रहिए। अभी थोड़े दिन आलस लगेगा, फिर आलस भी नहीं लगेगा। मैंने कितने लोग में से ऐसे कहते थे कि दीदी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, 4:30 बजे मंगला करने के लिए तो 4 बजे तो उठना पड़ेगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप कोई बात नहीं, बिस्तर पर लेट बिना नहाए सुनना पहले, और जब उसको देखते ना हम ठाकुर जी की आरती कर रहे थे, वो वीडियो पे दिखता सब कुछ, सबके ठाकुर जी दिखते हैं, तो फिर वो धीरे 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 अब तो 4:30 बजे सब आ जाते हैं। बोल श्री गुरुदेव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने ताली नहीं बजाए। देखो इन लोगों को इसलिए हम खड़े करते हैं, आप लोगों को अंदर में उत्साह आए इसलिए हम खड़े करते हैं। तो ये गाड़ी के एक बेटी है, ये यूक्रेन में ये डॉक्टरेट कर रही है, ये लड़की यूक्रेन में ये डॉक्टरेट पढ़ रही है। अभी वहाँ ज़्यादा कोरोना बढ़ने का नाते अभी कुछ दिन के लिए ये भारत में ये वापस चली आई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गई, इसलिए ये अभी डॉक्टरेट कर रही है। सुना अभी वो क्या बोलती हैं, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान का प्रति कैसे विश्वास होनी चाहिए। तुम्हारी गुजरी है ये, और कोई नहीं, तुम्हारी गुजरी है, हाँ तुम्हारी गुजरी बन सकी है, इसे तुम्हारे अंदर में उत्साह आए इसलिए हम ये बच्चों को खड़े करते। बोलो श्री गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में नित्य कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ, तथा उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी तथा मेरे भाई बंधु सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए जो भी मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है, उनसे सुना है, मैं वही आप सबको बताने का प्रयास करूंगी। गुरुदेव अभी सरिता आंटी ने बताया और गुरुदेव बताते हैं कि हम सब मनुष्य इस संसार में सुख ढूंढते हैं, ये दुख रूपी संसार में हम क्या ढूंढते हैं, सुख। ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड सर्चेस फॉर हैप्पीनेस, पर हम ये भूल जाते हैं कि क्या वो जो हम सुख ढूंढते हैं क्या वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में जैसे कोई खाने में, अपने बच्चों में, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, पैसा, कि हमने नौकरी, हम पढ़ते क्यों हैं, नौकरी करने के लिए, नौकरी से क्या आएगा, पैसा, कि पैसे से हम अपने जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं हम उनको पूरी कर सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या उन सब नीड्स से जो वो हम जिस चीज़ से हम सुख ढूंढते हैं क्या वो सुख परमानेंट है, क्या हम उसी सुख को सोचते सोचते क्या हम रोज़ सुख ही हो सकते हैं। हम सब लोग खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम दाल रोटी चावल और जो भी चीज़ हम खाएं अगर, तो वो हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए सफिशियंट है। हम अगर दाल रोटी खाते हैं तो हमें जितने भी प्रोटीन विटामिन जो भी चाहिए वो हमें हेल्दी रखने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी हम क्या आज कलाकंद खाया, आज गोलगप्पे खाए, आज हमने छोले भटूरे खाए, ये हम क्यों करते हैं, जस्ट हैज़ टू गिव प्लेजर, कि हमें हमारे मन को खुशी हुई कि नहीं दाल रोटी नहीं आज हमने ये भी खाया। लेकिन क्या हम उसी खाने को सोचते सोचते क्या हम अगले दिन खुश हो सकते हैं कि कल हमने कलाकंद खाया था उसी को सोच के आज हम खुश हैं। तो क्या वो जो सुख है क्या वो हैप्पीनेस है, क्या वो परमानेंट है, उसको सोचते सोचते क्या हम रोज़ खुश हो सकते हैं। हम कपड़े पहनते नए नए, रोज़ अगर हम एक कपड़े पहने वो भी हमारे शरीर के लिए ठीक है, लेकिन हम क्या रोज़ नए कपड़े परफ्यूम लगाएंगे पूरा मेकअप करते हैं और हमारी वो हैप्पीनेस कब जा 4 गुनी हो जाती है जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करते कि वाह क्या बात है तुम बहुत अच्छे लग रहे। लेकिन क्या हम उसी बात को सोचते सोचते रोज़ खुश हो सकते हैं। तो इंसान ये भूल जाता है कि हम जो जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं क्या वो सुख परमानेंट है, हम उस सुख को रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते देखते क्या हम उससे खुश हो सकते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं कि हम मनुष्य जो है भगवान ने ठाकुर जी ने हमें एक अनमोल रत्न दिया है, एक अनमोल चीज़ दी है। क्या है वो, हमारा मानव शरीर, हम जो हमारा ह्यूमन सोल है जो हमारी बॉडी है क्या वो जानवरों के पास है,
लेकिन हम इस मानव शरीर का क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या हम सही रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अपने मानव शरीर को चार चीज़ों में, आहार, खाने में, निद्रा, सोने में, भय। इंसान सबसे ज़्यादा इस जीवन में कौन डरता है? इंसान, भय, हमें भय है ना। अभी जो रिसेंट बीमारी चली कोविड करोना, पहले जब इंसान नॉर्मल छींक देता था तो कुछ होता था, आज अगर कोई इंसान छींक दे तो लोग उससे 100 कदम दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ये छींका इसने कहीं से बीमारी ना हो, हमें बीमारी ना हो जाए। तो इंसान सबसे ज़्यादा हम क्या, भय और मैथुन, गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, बच्चों को पैदा करने में। लेकिन हम ये नहीं देखते कि यही काम तो जानवर भी करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन भगवान ने ऐसा हमें क्या स्पेशल दिया है कि हमें उन सब जीवों से अलग बनाए? 84 कोर्स यूनियन के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है और हम इसको आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन कामों में नष्ट कर देते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी के हम लोग हैं, हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, अनुभव ना किया हो, तो हम उसे मानते नहीं हैं। उसे मानने की चेष्टा होती भी है लेकिन फिर भी हम मान नहीं पाते। तो एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और पूछता है कि बाबा, हम पूरे संसार में लोग भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो क्या कभी किसी ने भगवान का अनुभव किया है या ये जस्ट इमेजिनेशन ही है कि किसी ने मान लिया कि आज हमारे लिए काम हो जाए, हो गया तो भगवान है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो वो साधु बोलता है कि ये प्रश्न तुमने अच्छा पूछा। तो वो उस व्यक्ति से प्रश्न करता है कि क्या तुम्हें पता है जहर से क्या होता है? तो वो बोलता है कि जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है। तो वो साधु से बोलते हैं, क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है? तुमने कभी खाया जहर? तुम्हें कैसे पता कि जहर खाने से इंसान मर जाता है? तो वो बोलता है कि जिन लोगों ने ये खाया है जहर, वो लिख के गए हैं कि जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। तो वो साधु से बोलता है कि जब नॉर्मल चीज़ जहर, उसको जो नॉर्मल इंसान लिख के गया, तो जो हमारे वेद, पुराण, जो हमारे उपनिषद है, उनमें तो साक्षात लिखा हुआ है कि भगवान है, ठाकुर जी हैं। तो कह रहे उनको भी तो किसी ने अनुभव किया होगा, तभी तो लिखा है। नॉर्मल चीज़ों को लोग मान लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन हमारे वेद, पुराण जो सालों साल से चले आ रहे हैं और आज तक चेंज नहीं हुआ उनका एक भी वर्ड, उनको लोग मानने से इनकार कर देते हैं। हम तो उस इंसान व्यक्ति पूछता है कि भगवान की भक्ति करने से मिलेगा क्या? तो वो साधु बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने से इंसान को परम सुख और शांति की प्राप्ति होगी। जो शांति, जो सुख किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता, वो केवल और केवल ठाकुर जी के नाम से मिल सकता है। तो गुरुदेव सिद्धार्थ की कथा सुनाते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम हम सब ने सुना हुआ है। तो गौतम बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ, वो बहुत बड़े राजा के बेटे थे। तो एक दिन जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो राजा को बोला किसी ऋषि ने कि इस अपने बेटे को घर से बाहर मत निकालो, जिस दिन ये घर से बाहर गया ये घर में लौट कर वापस नहीं आएगा। तो राजा बोलता है मेरा एक ही बेटा, तो कह रहे अपने बेटे को घर घर में ही रखना। तो जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा होता है, राजा उसे महल के अंदर अंदर ही सब चीज़ों की व्यवस्था करके देता है कि तुम ये चीज़ रखो, जो भी तुम्हें खाना है, पीना है, जो भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो उसे वहीं ला के देता है। लेकिन एक दिन उसके बेटे के मन में बहुत उत्साह होता है कि मैं बाहर जाके देखूँ कि इस महल के बाहर है क्या। तो अपने पिताजी से आग्रह करता है, तो उसके पिताजी मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं ला के दे दूँगा। तो वो मान जाता है। फिर अगले दिन फिर वो वही बोलता है। जब वो बार बार अपने पिताजी को प्रश्न करता है तो उसके पिताजी बोलते हैं, अपने मंत्री को बोलते हैं कि तुम इसको लेके जाओ और अपने साथ इसको लेके जाना और अपने साथी से वापस ले आना, इसको कहीं बीच में रास्ते में छोड़ के मत आना। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो मंत्री के साथ बैठ के जाता है। तो जैसे ही वो महल से बाहर निकलता है, पहले तो वो बाहर की दुनिया को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है कि इस महल के बाहर भी ऐसी दुनिया है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी आगे जाते हैं, वो देखता है कि एक बच्चे का जन्म हो रहा होता है। तो वो बच्चा रो रहा होता है, माँ को बहुत पीड़ा हो रही होती है। तो उसने तो कभी ऐसा देखा नहीं। वो अपने मंत्री से प्रश्न करता है कि मंत्री जी ये क्या हो रहा है? तो वो बोलता है कि ये ना, यहाँ बच्चे, अभी ये बच्चे का जन्म हुआ, इस बच्चे ने जन्म ग्रहण किया है। तो वो पूछता है कि क्या मंत्री जी, क्या हम भी संसार में ऐसे आए थे? तो कहता है ये तो परम सत्य है कि हर कोई इंसान जन्म लेता ही लेता है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो फिर वो थोड़ी और आगे जाता है, वो एक आगे जाता है तो वो देखता है एक कोई व्यक्ति बीमार हुआ होता है और उसको बीमारी से इतनी पीड़ा हो रही होती है कि वो चिल्ला रहा होता है, उसको बहुत पीड़ा हो रही होती है। तो वो अपने मंत्री से फिर प्रश्न करता है कि मंत्री जी अब ये क्या हो गया? तो कह रहे ये तो जैसे किसी को अगर बीमारी लग जाए, ये व्यक्ति बीमार है, इसको बीमारी में इतनी पीड़ा हो रही है कि उसको सहन नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से चिल्ला रहा है। तो कहता है कि क्या मंत्री जी, क्या हम भी बीमार होते हैं? तो कह रहे अगर किसी एक ना एक बार, चाहे छोटा सा बुखार ही हो, जुकाम ही हो,
कह रहे वो तो इंसान को आता ही आता है, कह रहे उसमें पीड़ा जो होती है वो इंसान व्यक्त नहीं कर सकता, उसकी वजह से तड़पड़ा रहा है। फिर वो थोड़ी और आगे जाते तो देखते हैं एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे चल रही होती है। तो फिर पूछता मंत्री जी ये क्या है, कह रहे ये जीवन का फेल, जब इंसान ये बूढ़ा हो गया तो कह रहे इसका सहारा, कह रहे अब जब इनके इसके घुटनों में इसकी बॉडी में वो एनर्जी रही नहीं, ताकत रही नहीं, तो डंडे के सहारे चल रही होती तो वो देखता कि इसको भी बहुत कष्ट हो रहा है, इसको भी बहुत पीड़ा हो रही है। तो कह रहे अब जब कोई नहीं है तो वो चल इसी के सहारे चलती है। फिर वो थोड़ी और आगे जाता है तो देखता है एक इंसान की मृत्यु हो जाती है और लोग उसे ले जा रहे होते हैं, राम नाम सत्य गोपाल नाम सत्य बोलते हैं। तो फिर वो मंत्री से फिर प्रश्न करता है कि मंत्री जी अब ये क्या है, तो कह रहे इसका जीवन पूरा हो गया और ये इसको अब लेके जा रहे हैं। तो पूछते हैं कि क्या हम भी मरेंगे एक दिन, तो कह रहे तो परम सत्य की जो संसार में आया उसे जाना ही जाना है। तो उसके मन में शंका हो जाती है, जब वो अपने घर वापस आता है तो उसका महल में मन नहीं लगता, वो ये सोचता है कि जब इंसान को जन्म भी लेना है उसकी मृत्यु भी होनी है, कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक बीमारियां भी है, व्याधि जरा बुढ़ापा भी आना है, तो ऐसा क्या एक हल है, क्या एक तरीका है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। तो तब गुरुदेव बताते हैं कि हम इस संसार अगर कोई इंसान कहीं भी सुख मिल सकता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर कोई छूट सकता है तो केवल और केवल ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी की भक्ति, उनके हरि नाम से ही छूट सकता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम इस संसार में सुख ढूंढते हैं लेकिन हम सुख कहाँ, हम गलत जगह ढूंढते हैं। अगर हमें कहीं सुख मिल सकता है तो वो केवल और केवल ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी की भक्ति में ही मिल सकता है, उसके अलावा हमें कहीं नहीं। हरे कृष्ण वृंदा can come here, can both come, you can both come here. देखो खड़े हो जाओ तो, ए, ए श्वेता देखो ये बच्ची है, देखो ये तिलक लगाती है, देख गले देखो उसको, हरि बोल कम है इसको, देखो ये तिलक लगाई है, इसकी गले में देखो तुलसी की कैंठी है और इसको गले में देखो ये माला झोला है, माला झोली है। ये यूक्रेन में डॉक्टरेटी कर रही है, ये विदेश में भी जाकर गले में तुलसी कैंठी पहनती है, वहाँ भी तिलक लगाती है, वहाँ भी ये माला जप करती हैं, ये भी ये माला जप करती हैं, लेकिन हम भारतीय होकर के ना तिलक लगाने में शर्माते हैं, गले में कंठी, इतने गंदा काम कैसे कंठी पहन लेगी, लोग बोले क्या तू तो बाबा जी बन गई हो, हैं को तुम क्या बाबा जी बन गई हो, हमको शर्म लगता है। इसलिए हर सर कर देखो ये दोनों लड़की को देखो, देखो ये दोनों लड़की रसिया से आई है, ये दोनों लड़की रसिया से आई, देखो साड़ी पहनी है, सर के ऊपर में कपड़ा रखी है, देख गले में इसकी तुलसी के तिलक लगाए, देख रहे हो रसिया में लड़कियां ये सरकार को साथ में लड़ रहे हैं, पता है क्यों लड़ रहे हैं, कहते हम ये साड़ी पहन करके क्यों हम कॉलेज नहीं जाएंगे, रसिया में साड़ी पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे भारत में लड़कियां लड़ रहे हैं हम जीन्स पहन कर क्यों नहीं जाए, हम जीन्स पहन कर क्यों कॉलेज नहीं जाए, ये हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं इन्हीं की संस्कृति को, जिस भोग के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने बचपन से ये भोग को छोड़ करके आए, ये भोग को छोड़ करके आए और देखा यहाँ कोई शांति सुख नहीं, शांति सुख हो तो भगवान का नाम में कीर्तन में भजन में, देखो गले में कंठी तुलसी तिलक सब लगाए रसिया से होकर के। अगर हमें कोई श्लोक कोई पूछे गीता का कोई श्लोक बोलो तो देखो कोई कौन तुम्हारे अंदर में बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकते गीता की कोई श्लोक, रामायणी कोई चौपाई बोलो नहीं बोल सकते हो, इनको बोलो कितने श्लोक बोलेंगे तुम सोच नहीं सकती हो, इतने श्लोक गीता भागवत किसको याद है ना, वो जो उधर जो लड़की खड़ी हुई है इतने श्लोक याद जो सोच नहीं सकती, पूरा गीता तुमको सुना देगी, इतने गीता में रामायण सुना देगी भागवत सुना देगी, ये बच्चों को इतनी याद क्या, क्यों सुख देखे, सुख तो शांति है तो हमारे भारतीय संस्कृति और कहीं भी शांति नहीं। अगर तुम भी शांति जाना चाहते हो ये अंग्रेजी कल्चर को उनका हमारे जो रहन सहन खाना उसको छोड़ो, इसको छोड़ करके भारतीय संस्कृति में आओ, गले में कंठी पहनो तिलक लगाओ और हरिनाम ग्रहण करो, ठीक है ना, इसी से ही शांति सुख हम इसी से ही बन सकते हैं और किसी से हम शांति नहीं बन। इसलिए इन दोनों बच्चों को आपका बीच में खड़े करके हमको खड़े करके दिखाया, देखो इन बच्चों को देखो, हरे कृष्णा, ओके कर sit down, sit down, hari bol, okay you can sit down, no translate translate, oh okay, hari krishna, ha
बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और जोर करके बोलो, बोल हरे रेडी हो? भगवान बामन देव की जय। अरे जोर से बोलो, अभी भगवान बामन आएंगे, अभी कान्हा भी आने वाले और मैया जशोदा बन रही है। तुम सुंदरी सुंदरी तुम्हारी कहाँ है? यही सुंदरी घर में बनी थी। और तुम्हारी नंदा बाबा कहाँ है? है ना, बुला तो फटाफट बुलाओ। और जो जो टोकरी में है ना, भगवान कृष्ण को टोकरी में ले लेना, ठीक है? जो टोकरी है कोई सजाए कोई टोकरी को, हाँ ये गोपाल जी को, गोपाल जी को लेकर जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ देखो, भागवत में तो अनंत कथा है, लेकिन हम इतना कोशिश कर रहे हैं जैसे आपके हृदय में थोड़ा भक्ति की भाव जग जाए। अभी थोड़ा भगवान की भजन में अगर झूम गए, भजन किया, तभी हम सोचते हैं हमारी यहाँ कथा करना सार्थकता हो गया है। इसलिए हम इनको इनको खड़े करके आप लोगों को सामने खड़े करते हैं, ठीक है? कभी ये देवता दैत्य में अक्सर करके लड़ाई होती थी। जब लड़ाई होती थी, जब देवता मरे तो मर जाए, लेकिन एक दैत्य जब मरते हैं, इनका गुरु शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य एक संजीवनी मंत्र जानते थे, वो मंत्र से देवता को फिर उन्होंने राक्षस को जिंदा कर देते थे। लेकिन एक समय देवता लोगों ने गए ठाकुर जी को पास, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे? बोले एक काम करो, देवता दैत्य तुम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगी, अगर वो अमृत को पान करोगे ना, अमृत को प्राप्त करोगे। अभी देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की, समुद्र मंथन की तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल बीस निकला। बीस निकला तो जाकर के श्री भोले बाबा को प्रार्थना की और शंकर जी टन के टन उन्होंने जहर को पान कर लिया। पान करके कहाँ पर रखा? बोला अपना गले में रख लिया, इसलिए शंकर जी का गला क्या बन गया? नील बन गया। इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। देखो शंकर जी एक बहुत अच्छी शिक्षा दिया, कहते उन्होंने अपना हृदय में क्यों जहर नहीं लिया? बोले उनका हृदय में ठाकुर जी बैठे ही। शंकर जी शिक्षा देते हैं, कोई गंदी चीज हो ना, अपना हृदय में मत रखा करो। अब कोई गंदी चीज हो तो उसको मुंह में भी मत रखा करो। क्यों? कोई गंदी चीज को मुंह में रखोगे ना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले मैं बताया ना, हर चीज में देखना हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी बैठे हुए, पैर में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बोलो किस में हड्डी नहीं? इसलिए ये लपर 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 में देखता हूँ, यहाँ भी बैठ गए चैन नहीं, यहाँ भी बैठे कुछ कुछ माता हूँ तो मैं देख रहा, ऊपर बैठा हूँ ना देख रहा हूँ, यहाँ भी बैठे करके उनको चैन नहीं आ रही है, यहाँ पर भी आपस में बोलते जा रहे हैं। इसलिए हमारे महाप्रभु ने बताए, अगर बोलना ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, महाप्रभु सबको हरि नाम दिया। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रोज एक लाख हरि नाम करो। कितना हरि नाम करो? एक लाख हरि नाम करो। कल हम सुन रहे थे ना, महाप्रभु बोले
जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करेंगे, मैं सबको घर में भोजन नहीं कर सकता हूँ। भक्तों को फूलों को बोले प्रभु, उसी समय एक लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात कर रहे हो। तो भगवान ने क्या समझाए, जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति, वही असली लखपति भगवान कहते हैं। इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अगर धन लूटोगे, महाप्रभु कहते हैं जीवा बोलना चाहते है ना, दिन भर बोलना चाहते हो माला ले लो ना, माला लेकर के भगवान के नाम जप करो। ये नाम नहीं, ये माला नहीं, ये माल है, ये माल इकट्ठे कर रहे हो और अंतिम समय में यही माल ही काम में आएगा और कोई माल तुम्हारे काम में आने वाले नहीं। इसलिए शंकर जी ने क्या सिखा दिया, कोई भी गंदी चीज हो उसको अपना हृदय में मत रखा करो, अपना मुंह में मत रखा करो। क्यों? शंकर जी कौन है? कहिए वैष्णव नाम यथा संभो, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। कहते पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में क्या करते हैं? बोले भगवान के नाम को जप करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए फिर समुद्र मंथन हुई, दिव्य दिव्य सूर्य रत्न निकले तो बाद में माँ लक्ष्मी स्वयं निकली। बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया को लक्ष्मी चाहिए है। इसलिए लक्ष्मी बोली देखो ऐसे नहीं, सब लाइन लेकर खड़े हो गया, मैं अपना मन मर्जी पति चुनूंगी। लेकिन सबको पास में जाती है कुछ ना कुछ कमी देखती है। लेकिन जब नारायण को पास में गई देखा, अगर कोई सर्वगुणा संपन्न श्री ठाकुर जी, फिर उन्होंने गले में ठाकुर जी की माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मंथन हुई, धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर उठा, फिर तो देवता दैत्य में जग लड़ाई शुरू हो गई। अहम पूर्वम मुझे पहले मिलनी चाहिए। दैत्यों ने अमृत छीन लिया, ठाकुर जी ने देखा अगर ये अमृत पिएंगे तो अमर बन जाएंगे, फिर दुनिया की हानिकारक। फिर ठाकुर जी मोहिनी अवतार लेते हैं। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। बोले देखो तुम लोग दोनों लाइन करके बैठ जाओ। दैत्यों को बोले पहले तो देवता को पानी पानी पिला देते हैं, वो जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना, हम दोनों फिर बैठ करके पिएंगे। बोले मोहिनी अगर ये अमृत नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर तू मिल गई ना मैं तो सुख मिल जाएगी। इतने में मोहिनी क्या कर रही थी, वो देवता को दैत्यों को तरफ में थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी हंसते हुए देख रही थी। और तेरे से चितवन से दैत्यों का तो अमृत का प्रति ध्यान ही नहीं, उनका ध्यान तो मोहिनी को प्रति, क्यों ठाकुर मोहिनी रूप धारण किए। वो साधारण व्यक्ति मोहिनी नहीं, ठाकुर इतने सुंदर की विश्व ब्रह्मांड में से सुंदर स्त्री नहीं होती। इसलिए वो तो उनको पागल, उनको मुस्कुराहट में पागल हो रहे थे। इतने में ठाकुर जी जब अमृत पिला रहे थे, वहां पर एक दैत्य था जिसका नाम था सोरभानो। वो दैत्य ने देखा भैया लगता है कुछ गड़बड़ी है, लगता है कुछ गड़बड़ी है, हो ना हो सारे अमृत इनको पिला नहीं दे। इतने में एक दैत्य सोरभानो का दैत्य चंद्र सूर्य को बीच में बैठ कर उसने अमृत को उसने पान कर लिया। इतने में चंद्र सूर्य इशारा किया, बोले प्रभु ये दैत्य धोखे से अमृत पिया। ठाकुर चक्र को बुलाकर गला काट दी, जल गला काट दिए ना एक राहु और एक केतु हो गया। देखो माता ध्यान देकर सुना, कहते ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? जैसे नवरात्रि आती है ना, देखना 9 दिन तो कोई प्याज नहीं खाते, खाते हो 9 दिन तक, क्यों ये प्याज लहसुन को नहीं खाते इसको सुन लो। जब उन्होंने सोरभानो दैत्य को उन्होंने वध किया, जहां पर उसको मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज की बोता हुआ। देखना मांस जैसे लाल लाल रंग की, प्याज भी लाल लाल रंग की, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है। आप देखना कच्चा प्याज का मुंह से कोई बोली निकाल नहीं सकती, इतने बदबू आती है। प्याज काटो पता चल जाता है कि प्याज घट रही है, प्याज की छोंक तो उसको भी बदबू आती, क्यों? उसका जो सृष्टि है वो राक्षस की मांस से ली है, इसलिए उनकी हड्डी से ये लहसुन बना। इसलिए 9 दिन तक देखना कोई भी ये प्याज लहसुन कोई नहीं खाते हैं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, उसको बाद में खा करके फिर नाराज करो? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो जो माता जी को जो चीज पसंद नहीं
जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है ना, वो चीज हमें भी प्यारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये चीज ठाकुर को भोग में नहीं लगाते हैं, ये चीज को भोजन नहीं करनी चाहिए। खाने से राक्षस मांस खाने का उसको पाप लगता है। इतने नहीं, जब उन्होंने अमृत पिला करके कलश खत्म फेंके और ठाकुर जी आए, इतने में दैत्य ने ऑलरेडी देवता अमृत पी चुके थे, इतने में दैत्य देवता में लड़ाई शुरू हो गई। अरे देवता लोग अमृत पी चुके थे, जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना, दैत्यों को एक तरफ काटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा भैया लगता है दैत्य वंश ही खत्म हो जाएगी, फिर ठाकुर जी आए फिर उनको बंद किया। ले फिर गुरु जी आए, शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र पढ़े और सारे चेले को जिंदा कर दिया। इतने में बलि महाराज जो राजा, उसने यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत महायज्ञ। यज्ञ किया तो यज्ञ से एक रथ निकली जो अस्त्र शस्त्र को साथ में, वहां पर स्वयं श्री प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का प्रसाद माला लेकर के आए और उन्होंने पहना दिया बलि महाराज को। और वो रथ में बैठ करके जो युद्ध करके ना उसको कोई जीत नहीं सकते हैं। और बलि ने खूब ब्राह्मण की सेवा की, ब्राह्मण की सेवा करके शक्ति प्राप्त करके फिर स्वर्ग लोक में फिर आक्रमण की। आक्रमण का जब शंख बजाए सारे देवता लोग घबरा गए, गुरु जी को पास में गए, बोले गुरु जी फिर दैत्यों को ताकत कैसे मिली। बोले उन्होंने अपना गुरु जी की सेवा की, ब्राह्मण की और यज्ञ किया, नरसिंह भगवान का माला पहन करके आए, अगर तुम अभी युद्ध करोगे ना सब मर जाओगे, इससे बढ़िया राज्य छोड़ो स्वर्ग और मरते जगत में भाग जाओ। अभी मरते जगत में देवता लोग आकर दर दर भटक रहे हैं। फिर इनकी जो माता अदिति ने श्री कश्यप जी को पास में गए, बोले मेरे बच्चों को ये स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा। बोले एक काम करो, एक पय व्रत है कि बच्चों को पानी मत पिया, मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने अपना बोले एक पय व्रत करो, बोले 12 दिन का पय व्रत करो, भगवान वामन देव प्रकट होकर के फिर स्वर्ग राज्य को वापस लाएंगे। जब उन्होंने पय व्रत की, भगवान स्वयं वामन देव दिन दोपहर में भगवान वामन देव प्रकट हुए। बोले भगवान वामन देव की जय। जब भगवान वामन देव प्रकट हुए, अभी त्रिभुवन वहां पर उमड़े, उनकी उपनयन संस्कार हुई। नियम है संस्कार के बाद में गुरु जी को दीक्षा देनी, गुरु जी को पूछो उनको प्रणाम देनी चाहिए। बोले गुरु जी बताओ गुरु दीक्षा क्या दे, मैं गुलाम हूँ अभी नहीं। इसलिए बोले गुरु दीक्षा, बोले गुरु जी को, गुरु जी क्या आपको मैं प्रणाम दूं। बोले मेरे को दक्षिणा देना था, एक काम करो तुम जाओ नर्मदा नदी किनारा में श्री बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य वापस ला करके मेरे को दो। जब वामन देव वहां पर पहुंचे, बलि महाराज देख करके ना चकाचौंध हो गए। बोले इतने सुंदर ब्राह्मण आज मेरे घर में, मेरे घर तो पवित्र हो गया, मेरे घर धन्य हो गया है, ठाकुर जी की चरण धोए अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए बोले प्रभु बरमा लो। बोले पहले संकल्प कर, बोले संकल्प कर। जो संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य किसने जा करके बोले, बोले यहाँ पर तो स्वाह स्वाह में लगे हुए हो, अरे चेला लुटा जा रहा है, चेले तेरे लुटे जा रहे हैं, स्वाह स्वाह में लगे हो। बोले कौन? बोले पहले जो मोहिनी ना, वो मोहन बन करके आई, वो तीन पग जमीन नहीं त्रिभुवन को लेने वाले, चेला लुटे जाओगे। इतने में कौन, गुरु जी भागते भागते शुक्राचार्य आए। बोले सावधान बलि, जानते हो ये कौन? बोले कौन? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आए, पहले अमृत से वंचित किया, अभी सब कुछ चेले से लूट लेंगे, खबरदार उनको दान नहीं देना, ये भगवान स्वयं। बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक तो देवी फिर शेर के ऊपर चढ़ करके आई, एक तो दान लेने वाले, लेकिन दान लेने वाले कौन है? बोले स्वयं ठाकुर जी है। बोले इतने सौभाग्य किसको होगा बताओ, स्वयं परम परम ब्रह्म परात पर तत्व मेरे पास में दान लेने के लिए आए। कितने भाग्य से ठाकुर को दान देना पड़ता है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। बोले मेरे बात नहीं सुनोगे? बोले नहीं। बोले मैं गुरु हूँ, नियम है गुरु जी का आदेश से पालन करनी चाहिए। बोले गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम है बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जे न चराचरम तत्पद दर्शितम जे न तस्मै श्री गुरवे नमः।
जी का काम है जो भगवान कण कण में जो व्याप्त है उनकी चरण को जो दर्शन करे ये गुरु जी का काम। अरे साक्षात भगवान आए इनके दर्शन करना गुरु जी का काम। कैसे गुरु हो कहते भगवान को दान मत दो, दुनिया किसका है, दुनिया बनाया किसने, भगवान दुनिया भगवान की, अरे भगवान मांगने के लिए आए। कैसे गुरु हो कह रहे हो भगवान को दान मत दिया करो, बोले मैं गुरु जी मेरे आदेश पालन करना करेगा, बोले आपका आदेश मैं पालन नहीं करता हूँ। इसलिए देखो नियम है गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए, नियम है ना, गुरु जी को ध्यान से सुनो, गुरु जी को त्याग देने नहीं चाहिए। लेकिन बलि महाराज ने गुरु को त्याग दे दिया, बोले गुरु जी को क्यों त्याग दिया, कारण है गुरु जी अगर अधर्म मार्ग में चले गए, अगर भक्ति मार्ग को छोड़कर कोई गलत मार्ग में फंस गया गुरु जी, अगर हम उसको त्याग दे तो उसमें कोई दोष गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय जो भगवान को कोई कोई कहते भगवान तो निराकार है, ठाकुर को कोई आकार नहीं, कोई ठाकुर को मानना नहीं चाहते ठाकुर जी को, इसलिए कहते जो ठाकुर जी को नहीं मानते ना उनको त्याग करने में कोई दोष तुम्हारी नहीं। ठाकुर नहीं हो तो वामन देव कहाँ से आए, अभी कन्हैया कैसे आएगा, कल भगवान राम भी आएंगे तो भगवान आए कहाँ से, इसलिए उन्होंने अभिशाप दिया बोले अयम अस्तु, लेकिन हम ठाकुर जी को गांध देंगे। जब फिर संकल्प करने के लिए गए फिर कीड़े बनकर बैठ गए, हैं गंगा सागर होता ना जी में नाड़ में, फिर कुछ से छेद किया तो एक आग चली गई। शिक्षा देते हैं अगर भगवान की सेवा कोई कर रहा है भैया बीच में टांग मत अड़ाए मत करो, अरे कोई ठाकुर का सेवा करता है ना बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आग चली गई फिर वहां से भागे, फिर संकल्प किया तो ठाकुर जी एक पग में भूर भूव भोजन तब सत्य लोक तक पहुंच गया। वहां पर ब्रह्मा जी अभिषेक करके जो पानी कमंडल में रखे वही श्री पतिति पावन श्री गंगा बनी। बोले श्री गंगा देवी की दूसरे पग में अतल बीतल तलातल रसातल पातल चला गया। बोले बताओ कहाँ पर चरण रखे, बड़ा ठीक आग रहा था, इतने दान दू कहीं झोली पसारने का जरूरत नहीं। गौरव को बुलाया बोले बांध दो उसको, जब बांध दिए ना उनकी जो पत्नी है ना बड़ी अच्छी थी पत्नी, बोले तुमने भगवान को क्या दिया, दुनिया ठाकुर का, ठाकुर दुनिया ले लिया, जब तक तो खुद को खुद नहीं देते हो ठाकुर को थोड़ी देना होता है, हैं ठाकुर को बताओ ना आपका सर पर चरण को रखे। बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए बोले सचमुच से तू पत्नी, देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, कहते पत्नी दो तरह के हैं, एक धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी, एक धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी किसको कहते हैं, पति की जीवन में जीवन मिलाकर कंधे में कंधे मिलाकर के जो जीवन भर चले, ऐसे नहीं सुख को साथ दे और जब दुख आए ना और पति को छोड़ छाड़ करके चल जाए, इसलिए एक धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी। देखा सचमुच से तू धर्म पत्नी हो, है सचमुच से तू धर्म पत्नी तू हो, इतने खुश हो गए। बोले ठाकुर जी को बोले देखो आप ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले आप तो दान ही लिए हो अभी तो दान ही स्वयं बाकी है, बोले बताओ कहाँ पर चरण रखे, बोले सर पर रखो। भगवान देखो जिस चरण को बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी चरणों की नख की छटा तक तुम दर्शन नहीं कर सकते,
ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पदम, जिन चरण को बड़े बड़े देवता लोग तपस्या करते हैं, बोले बायो रथापि मनस मन पुंगवानाम, बड़े बड़े ऋषि लोग अपना ध्यान करते हैं, बाई को बंद करके ध्यान धारणा समाधि को द्वारा कोशिश करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को दर्शन तक भी नहीं कर पाते, लेकिन आज वो दुर्लभ चरण कहाँ पर, बोले श्री बलि महाराज की स्वर्ग पर मन रखे। इसलिए देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की, बोले श्री बामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की, बोले बेटा बरमा लो, बोले तुमको मैं सुतल लोक में स्थान देता हूँ, तेरे को वरदान यही दो, जब घर से आओ आपका दर्शन करो, जब घर से जाओ आपका दर्शन करो। ठाकुर जी इतने प्रेम में बसी को दरबार बन गए, ठाकुर जी दरबार बन गए। एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा माँ लक्ष्मी अकेले, बोले प्रभु जी कहाँ गए, बोले कहाँ गए अभी तक नहीं आए, बोले विदेश में नौकरी ढूंढ लिया, बोले नौकरी, बोले कहाँ पर, बोले ठगने गए थे, ठग गए स्वयं, बोले कैसे, बोले दरबार की नौकरी, बोले कहाँ पर, बोले सुतल लोक में बलि महाराज का दरबार में। इतने में लक्ष्मी देवी लेने के लिए आए, देखा ठाकुर जी कह रहे जगते रहो जगते रहो, बोले और कोई यही के बोला कसर रह गई थी लक्ष्मी बोली यही कसर, मतलब भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, आज दरबार बन करके भगवान स्वयं बैठे हुए, बोले यही कसर रह गई थी तुम्हारी, सब हो गया था, बोले भैया बात मत करो अभी मैं दरबार का काम कर रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ, अभी बात नहीं करो, अभी बलि महाराज रोज दान देते हैं सवेरे सवेरे। माँ लक्ष्मी भी लाइन में खड़ी हो गई, लक्ष्मी की जब नंबर आई ना, बोले बरमा दो, बोले पहले संकल्प करो, बोले संकल्प, बलि महाराज बोले एक संकल्प कराने वाला पहले आया था, ये दूसरे कहाँ से आ गई, बोले संकल्प की क्या जरूरत है, मांगो ना, बोले बगैर संकल्प से मैं नहीं मांगती हूँ। जब उनने संकल्प की, बोले मेरे पास में तो सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में अच्छे कोई दरबार नहीं, मैंने देखा आपका दरबार में एक अच्छा दरबार बैठा हुआ, वो दरबार को दे दो, वो समझ गए ये और कोई नहीं, बोले आप बताओ पहले आप कौन हो, साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी प्रकट हुई। इतने में बोले प्रभु को तो दे ही नहीं सकता हूँ, प्रभु एक स्वरूप में रहो दूसरे स्वरूप में जाओ। उन्होंने भगवान का हाथ को ला करके किसको, लक्ष्मी को हाथ में दिया। देखो ये कितने बड़े भगवान की भक्त हुए हैं, जो नौ तरह का जो भक्ति में नव विद्या भक्ति में इनका नाम आता है आत्मसमर्पण है। बलि महाराज आत्मसमर्पण, देखो कितने बड़े दान किया, किसको दान कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी देखना ऐसे बैठी हुई रहती है, सब लक्ष्मी के चरण में प्रार्थना, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए बोलो, सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए तरसती है, इसलिए लक्ष्मी ऐसे बैठी हुई, लेकिन सारा दुनिया लक्ष्मी, लक्ष्मी दुनिया को देती है, आज लक्ष्मी को दान दे रहे कौन, बलि महाराज। क्या दान दे रहे, छोटे मोटे चीज नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दान लक्ष्मी को दे रहे, मतलब भक्ति की में भगवान कितने भक्ति में वशीभूत हो गए हैं। इसलिए बोले बलि महाराज की जय, बामन भगवान बोलिया देखो अभी भगवान आपके पास में भिक्षा लेने जा रहे हैं, और भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, जैसे सुदामा दो मुट्ठी चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए भगवान स्वयं आज आपके दरबार में भिक्षा लेने आते हैं। भगवान हमें सारा जीवन दिया, आप लोगों भी ठाकुर को उसको भी दान देना, ले आओ बच्चे को। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे भोले, भगत भर दे रे भोले, भगत भर दे भगत
एक सूर्य वंश है, जिस सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र जन्मभूमि बल श्री सियावर रामचंद्र की जय। और एक वंश का नाम आता है चंद्र वंश, और चंद्र वंश में हमारे श्री कान्हा ने माताओं से निवेदन है जरा कुर्सी आगे लेके बैठे, वायरों के ऊपर चढ़ के ना बैठे, सिंगर्स को दिक्कत हो रही है गाना गाने में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए स्वयं श्री भगवान कृष्ण चंद्र आते हैं, लेकिन प्रभु का एक अद्भुत लीला, बोले क्या लीला है, लेकिन ये जो दोनों कृष्ण राम आए ना, लेकिन वो एक व्यक्ति से ही ये दोनों आए। ध्यान लगाकर सुना, कहते एक श्राद्ध देवो मनु राजा थे, जिनकी घर में सारे सुख था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। इन्होंने अपना पुरोहित को बुला करके वशिष्ठ को उन्होंने यज्ञ करवाए, बोले घर में एक बेटा चाहिए। जब यज्ञ हो रही थी, लेकिन राजा की मन में इच्छा घर में एक बेटा हो जो राज्य संभालेगा, लेकिन रानी की मन में इच्छा है कि बेटी हो, क्योंकि बेटी होगा तो माँ को मदद करेंगे। इतने में जो होता लोग थे ब्राह्मण, जा करके रानी उनको कान में बोले, बोले देखो